होला गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है, बट वो सब तो आती रहेंगी। बट आज बहुत ही बड़े और दिग्गज मानुष ने यहाँ पे हमारे सामने एक अपना प्रेजेंस स्थापित किया है। तो कुलदीप भाई, ग्रेट टू हैव यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आपसे बात हो रही है, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच जिशान। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जिस तरह की न्यूज चल रही है थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक हूँ। मतलब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल सही बात है। कुलदीप भाई, मुझे बस बैक स्टेज बता ही रहे थे कि बाल वाल ट्रिम करवा के आए हैं कुलदीप भाई, तो ट्रिम सब करा के तो आप टेंशन मत लीजिए, सब सब चंगा है यहाँ पे। तो ग्रेट टू हैव यू हियर कुलदीप भाई। पहले तो इट्स एन ऑनर टू होस्ट यू ऑन द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड काफी इंटरेस्टिंग बातें आपसे यहाँ पे करने का इरादा है। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज गोइंग डाउन। हमें कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स मिली थी अबाउट लियो मेसी, दैट ही हैज अ बिग चांस टू कम बैक टू बार्सा। बट अभी आज इस पॉइंट ऑफ टाइम की रिपोर्ट्स देख के थोड़ा सा शॉक लगा कि मेसी हैज एक्सेप्टेड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंटर मियामी, एंड वो अपनी फैमिली के लिए इंटर मियामी शिफ्ट करेंगे, बिकॉज वहाँ पे उनके पास प्रॉपर्टी है, उनको स्पॉन्सरशिप डील्स मिल रही है अडिडास की एंड अदर एप्पल टीवी प्लस की। तो आपका क्या व्यू है अबाउट ऑल ऑफ दिस? द सैड डे फॉर बार्सा फैंस जो होप कर रहे थे बार्सा एंड मेसी, बट व्हाट डू यू थिंक? बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो न्यूज आ रही है ये रूमर्स हैं। ये कोई किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कहीं से अभी आई नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि ये शायद क्योंकि बहुत बड़ा, ऑब्वियसली बहुत बड़ा नेम है लियोनेल मेसी, और बहुत लोग चाहते हैं, जर्नलिस्ट लोग ऐसे बहुत बार ऐसा करते हैं कि किसी का नाम लेके हवा में बने रहे, तो ये भी हो सकता है। अभी किसी ने ऑफिशियली ऐसा बोला नहीं कि हो सकता है कि मेसी प्लान कर रहे हो शायद एक दो साल बाद, बट मुझे अभी भी नहीं लगता है कि शायद वो जाएंगे वहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना के पास अभी भी ट्रांसफर मार्केट भी जस्ट शायद ओपन हुई कल से, शायद 10 तारीख से शायद ओपन हो गया फिर, तो मुझे भी लगता है बहुत टाइम है अभी, और हम लोग बहुत जल्दी रश कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। और मेरे जो सोर्सेज हैं मुझे पूरा यकीन है उन पर, और लियोनेल मेसी बार्सिलोना में ही खेलेंगे इस सीज़न। ये मेरी ये मुझे ऐसा लगता है, और जो मेरे सोर्सेज है यही बोल रहे हैं। और बाकी न्यूज़ आप हर हर एक घंटे में कोई ना कोई जर्नलिस्ट आके ऐसा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है कि ऐसा होगा, मेसी इधर की डील एक्सेप्ट कर चुके हैं। और अभी भी क्योंकि अभी अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी बार्सिलोना के पास पैसे है नहीं, जब तक वो प्लेयर सेल नहीं करेंगे तब तक मेसी को लेंगे नहीं, और शायद इसीलिए वो वेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वेट कर रहे हैं कि एक दो प्लेयर जाएंगे तभी वो चीज़ पॉसिबल होगी। और मेसी भी ये जानते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन थोड़ा हर चीज़ को थोड़ा सा वेट करता है, टाइम लेता है हर चीज़ डिसीजन लेने में, और ये बहुत बड़ा डिसीजन है मेसी के लिए। और ऑब्वियसली मेसी बार्सिलोना में खेलना चाहेंगे, और उसके लिए इतना उन्होंने इतना पुश किया है, और मुझे लगता है इंटर मियामी एक ऑप्शन है उनके पास। और होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा तो बार्सिलोना में खेलेंगे। अगर कुछ नहीं होता है, अगर बाय चांस अगर बार्सिलोना एक दो प्लेयर सेल नहीं कर पाती है कहीं ना कहीं, तब आप देख सकते हैं कि मेसी इंटर मियामी के लिए खेलेंगे। तो ये है अभी तक की, बट अभी भी बहुत टाइम है। अभी भी ऐसा लोग बोल रहे हैं, ऐसा जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि मेसी अभी ही वो चाहते हैं कि वो रिजल्ट आ जाए, अभी भी वो चाहते हैं कि वो पुश करें कि अभी बता दो क्या होने वाला। ऐसा नहीं होता है, वो वेट करेंगे। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और अभी भी मुझे लगता है कि मेसी की जो अनाउंसमेंट होगी वो शायद इस मंथ के लास्ट में या फिर अगले मंथ की स्टार्टिंग में हो। अभी भी वो अभी कोई ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी वो कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। ओके, तो यार कुलदीप भाई, यहाँ पे बार्सा फैंस को थोड़ी सी होप देते हुए चैट में बंदे एकदम एक्चुअली में रो रहे हैं, ढह गए हैं कुलदीप भाई के शब्दों के ऊपर। एंड भाई हमारे ओम भाई काफी बड़े फैन आपके, कह रहे हैं कुलदीप सर बिग फैन ऑफ योर्स, मिसिंग यू इन इंडियन जर्सी। ओम भाई को आप एक हाय बोल दे तो आई थिंक इनका डे बन जाएगा पूरा। जल्दी आएंगे, अभी नेक्स्ट सीरीज खेलेंगे, और थैंक यू सो मच इतना क्रिकेट को फॉलो करने के लिए, साथ ही साथ फुटबॉल को फॉलो करने के लिए।
यार बिल्कुल यार ओम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर कॉमेंट। बिल्कुल यार, मूवीज ऑफिशियल पॉजिटिव वाइब्स तो डेफिनेटली हैं कुलदीप भाई के साथ। एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं भी 2 घंटे के लिए सो गया था, कि नाप ले लिया था, तो मुझे नींद नहीं आई थी जब मैं सोने जा रहा था। दैट ओनली थिंग वॉज कि यार अगर मैं सोऊंगा 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, कोई ना कोई न्यूज आएगी और मैं मिस करूंगा। डर डर के मुझे 40 मिनट लगा सोने में। एंड आई वोक अप एंड आई सॉ टू न्यूज। पहली तो जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड, हियर वी गो। और कुलदीप भाई दूसरी न्यूज, मेसी टू इंटर मियामी वाले काफी सोर्सेज। एक्चुअली एक सोर्स है, वो काफी क्रेडिबल है, मेरी उनसे बात भी हुई है, वो काफी एक अच्छे जर्नलिस्ट है, काफी रिप्यूटेड जर्नलिस्ट, आप जानते हैं उनको, गीएम बालागे। तो वो इस पूरे मेसी डायलेमा जब से ये स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्टिंग से वो एक बात बोल रहे थे कि मेसी विल गो टू इंटर मायामी। और वो बहुत शुरुआत से बोले थे, जैसे ये न्यूज आई कि मेसी पीएसजी छोड़ेंगे, उस टाइम से वो ये बात को बोल रहे थे। एंड मैंने उनको बिलीव नहीं किया उस पॉइंट पे। मैंने कहा भाई नहीं यार, अभी और भी लोग हैं, जैसे अपने गोट जेराल्ड रोमेरो है एंड बाकी कुछ रिपोर्टर्स हैं, वेरोनिका ब्रुनाटी एंड ऑल। तो उन्होंने कहा था कि देयर इज अ बिग चांस, और बारसा का फिजिबिलिटी प्लान एक्सेप्ट हो जाए ला लीगा से, तो बारसा के वेज बिल में जगह हो जाएगी। तो जस्ट फॉर कंटेक्स्ट, यहाँ पे जो भाई लोग देख रहे हैं उनको, उन लोगों के लिए मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ कि बार्सिलोना का ऑल्दो फाइनेंशियल वायबिलिटी प्लान एक्सेप्ट हो गया है, बट बारसा मेसी को रजिस्टर करने की गारंटी नहीं दे पा रही थी लियो को और उसके कैंप को, इसीलिए उन्होंने एक फॉर्मल ऑफर नहीं भेजा। कुलदीप भाई जितना हम जानते हैं लियो मेसी को, ये बंदा मनी ड्रिवन तो है नहीं, इसको टोटली यू नो स्पोर्ट्स ड्रिवन बंदा है, एक प्रोजेक्ट ड्रिवन बंदा है। तो डू यू थिंक कि बारसा कोई भी ऑफर प्रेजेंट करती लियो मेसी को, और अगर चांस होता उनके रजिस्ट्रेशन का ला लीगा में, तो ही वुड हैव डेफिनेटली कम ओवर हियर 100%। मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल सही बोला है, मेसी के अंदर वो चीज कभी मैंने देखी नहीं। आई मीन मैंने बहुत क्लोजली देखा है, मेरे बहुत क्लोज जो फ्रेंड हैं वो मेसी के भाई के भी फ्रेंड हैं, तो वो मतलब वो बहुत जैसा जैसा उन्होंने मुझे बताया है उसमें मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल सही बोला, मनी ड्रिवन ऐसा प्लेयर मैंने नहीं देखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है वो। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी, क्योंकि हाँ जैसा आपने बोला कि रजिस्टर करने में थोड़ी बार्सिलोना को प्रॉब्लम आएगी अगर साइन भी करते हैं, इसीलिए वो सेल चाह रहे हैं, एक दो प्लेयर की सेल हो जाए तो वो क्लियर हो जाए। और शायद इसीलिए शायद से मुझे ऐसा लगता है कि मेसी के जो डैड हैं और या फिर मेसी खुद ही मेसी है, वो वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। और बाकी जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है वो तो हवा में उड़ती रहती है। आई मीन बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और रूमर्स तो हमेशा आते ही रहेंगे। आई मीन जब रोनाल्डो जब यूनाइटेड छोड़ा था तो कितने सारे रूमर्स आए थे, चेल्सी लो, बायर्न लो, पता नहीं रियल मैड्रिड वापस भी करा दिया था उसको। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब ये तो चलते ही रहेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए हमें भी। और बहुत मतलब बहुत रिलैक्स हैं वो लोग, और उनको ऑब्वियसली मेसी को बार्सिलोना में ही खेलना है और वो वहीं पे खेलेगा मुझे ऐसा लगता है इस सीजन। कुलदीप भाई एक और रूमर चल रहा था, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहता हूँ कि लोग कह रहे थे कि मेसी टू इंटर मियामी होगा और बारसा ट्राई करेगी यार कि मेसी को इंटर मियामी से 1 साल या 2 साल के लिए लोन पे ला ले। देखते हैं कि ये इस तरीके की डील बारसा भी वेट करे, क्योंकि हमने बारसा की तरफ से जैसा आपने कहा किसी भी ऑफिशियल सोर्स से कन्फर्मेशन नहीं आया। देखते हैं कि इसके चांसेस हैं, क्योंकि यही एक तरीका बचता है अगर मेसी इंटर मियामी जाए। मुझे ऑब्वियसली अगर इंटर मियामी जाते तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि उसको लोन पे दे, अनटिल कि उनकी लीग वो शायद उनकी टीम भी बहुत नीचे लगी हुई है शायद अभी भी, मुझे ऐसा लगता है। होपफुली अगर ऐसा होता है बाई चांस अगर वो मियामी जाते हैं, टीम रेलीगेट अगर उनका वहाँ पे रेलीगेट सिस्टम है, आई डोंट नो क्या है वहाँ पे, अगर वो टॉप बॉटम में लगी है तो शायद हो सकता है लोन पे जाए। बट अगर मेसी को साइन करेंगे तो डेफिनेटली चाहेंगे वो एक सीज़न तो खेले उनके लिए, और वो मुझे नहीं लगता लोन पे जाएगा। और इंटर मियामी उसकी 100% अगर वो बार्सिलोना नहीं हुई तो इंटर मियामी के लिए ही खेलेंगे वो, ये बात तो कंफर्म है, क्योंकि इंटर मियामी से बहुत क्लोज है वो। और मेरे से मेरे फ्रेंड हैं वो एक इंटर मियामी में खेलते भी हैं, और उनके भी कनेक्शन काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर ऐसा बाई चांस नहीं होता है, अगर अगर शायद से अगर बार्सिलोना पुल आउट नहीं मतलब ये डील अगर नहीं कर पाती सही से, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटर मियामी जा सकते हैं वो। नहीं बिल्कुल सही बात कहा आपने यहाँ पे कुलदीप भाई। श्रेयस भाई का हमारे यहाँ पे एक कमेंट है कि इंटर मियामी जाने का क्या रीजन हो सकता है अल हिलाल छोड़ के, बारसा क्या समझ सकते हैं कि इमोशनल रीजन होता है, बट व्हाई मियामी, आई एम श्योर 1 बिलियन यूरो से भी ज्यादा पैसा मिल रहा है, डोंट ब्लेम हिम। श्रेयस भाई वैसे कुलदीप भाई आपसे मैं इसका रीजन जानना चाहूंगा कि हाइपोथेटिकली जैसे भी जो न्यूज चल रही है, काफी सारे सोर्सेज ने तो ये बात बोल दी, आपको क्या लगता है कि अल हिलाल का जो ऑफर था उनका 2 साल में 1.2 बिलियन यूरोस कमाने का, मतलब बहुत पैसा है यार, वो बहुत ज्यादा ही पैसा है। तो पैसा तो बहुत है, बट मुझे लगता है फैमिली बहुत मैटर करती है लियोनेल मेसी के लिए, स्पेशली लियोनेल मेसी के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बच्चे और उसकी वाइफ नहीं चाहते हैं कि वो उधर जाए,
सऊदी में उनको शायद उनको लाइफस्टाइल नहीं पसंद आया होगा और वो बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे मेसी को इन टाइम में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि साउथ अमेरिकन है और सारे अच्छे कनेक्शन है, मतलब स्पेनिश भी है, पुर्तगीज है, सब मतलब बहुत अच्छे कनेक्शन, लाइफस्टाइल अच्छी है, उसकी प्रॉपर्टीज सारी बहुत सारी हर चीज़ वहाँ पे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बार्सिलोना डील नहीं होती तो इंटर मियामी एक अच्छा उसके लिए रहेगा। वो मुझे अल हिलाल वो शायद वो रिजेक्ट कर दे, मनी मेसी के लिए पैसे से ज़्यादा मुझे लगता है फैमिली मैटर करती है और शायद फैमिली का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा अगर मेसी इंटर मियामी जाता है तो। बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने यहाँ पे कुलदीप भाई, फैमिली मेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, फैमिली के ऊपर, फैमिली को बेस करके वो काफी बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं अपने। जस्ट फॉर कंटेक्स्ट, डेफिनेटली अविनाश भाई आपके जो कमेंट है कि मेसी के काफी होटल्स हैं, प्रॉपर्टी मेसी की वहां पे काफी ज्यादा है और मेसी ऑफन मियामी में जाके रहते हैं, तो वो एक लाइफ से अकस्टम्ड है, उनको आइडिया है वहाँ के लाइफ का, उनके जो बच्चे भी हैं दे आर ऑल्सो मच मोर कम्फर्टेबल ओवर देयर। तो जो कुलदीप भाई कह रहे हैं कि वो बंदा लाइक बिकॉज ऑफ हिज फैमिली इज गोइंग देयर, तो दैट्स द रीजन। और जो दूसरी बात है यहाँ पे जो रिपोर्टेड है एथलेटिक द्वारा और ये कन्फर्म रिपोर्ट्स हैं जो इंटर मियामी ऑफर कर रही है उनके डील में, हाँ भाई वेजेस वैसी नहीं है जैसे अल हिलाल दे रही थी, बट एप्पल टीवी प्लस की जितने न्यू मेंबरशिप मिलेगी उनको ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स जब तक मेसी रहेंगे उसका उनको बेनिफिट मिलेगा, अडिडास के स्पॉन्सरशिप डील में जितना प्रॉफिट आएगा उसका एक पार्ट मेसी को मिलेगा, एंड टुवर्ड्स द एंड रिटायरमेंट के टाइम पे मेसी विल हैव अ चांस टू बाय एन इंटर एक MLS क्लब। तो ऑब्वियसली एक बिजनेस प्रोपोजिशन काफी तगड़ा है मेसी का वहां पे मियामी में उनके लिए, एंड आई थिंक फैमिली वॉज द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से वो वहां पे मूव करने का सोच रहा है, एंड ही रिजेक्टेड 1.2 बिलियन यूरोज कमिंग इन फ्रॉम सऊदी। तो कुलदीप भाई ये सऊदी वाले लोगों को क्या हो गया है, कुछ दो शब्द अबाउट दीज सऊदी प्लेयर्स और ये सऊदी मैनेजमेंट एंड ये टीम से क्या कर रहे हैं, हमारे सारे गोट्स को उठा उठा के ले जा रहे हैं, कैसा चल रहा है? आई मीन पैसा बहुत बड़ी चीज़ है जीशान भाई, और अगर इतना पैसा किसी किसी के पास डाल दोगे तो आप वो तो छोड़ेगा, सोचा कि 2-3 साल बचे हैं करियर के, क्यों ना कि वहाँ से पैसा बनाया जाए और लाइफ आगे किसी की ओर की जाए, ये बहुत बड़ा एक रीज़न है। और पैसे की ताकत आपको दिखी गई है, आई मीन इस ये जो भी सागा चल रहा है रोनाल्डो के बाद तो पैसा ही सब कुछ है। अगर अभी 2-3 प्लेयर अभी उन्होंने एंग्लो कॉन्टे भी तो चला गया, उसको उसको इतना पैसा मिल गया वो तो पागल ही हो गया, क्योंकि चेल्सी तो और बेंजेमा भी इधर चला गया और काफी एक दो प्लेयर और भी जाएंगे, मुझे लग रहा है कि शायद सैंचेस भी जाने वाला है उधर, उसकी भी डील शायद होने वाली है, तो कुछ प्लेयर जाएंगे ऑब्वियसली। और मेसी के लिए पैसा तो ऑब्वियसली है, उसको बहुत ज्यादा पैसा देंगे, बट मुझे लगता है कि अभी शायद ना जाए, और जो भी मतलब प्लेयर हैं और शायद वो अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं लीग, और ऐसा उन्होंने क्रिकेट में भी प्रपोजल डाला था बट वो इंडियन प्लेयर्स को अलाउड नहीं किया गया, तो शायद वो भी पेंडिंग पे चल रहा है, बट पैसा बहुत मैटर करता है किसी भी एथलीट के लिए। आई मीन जब तक अब उन्होंने काफ़ी टाइम उन्होंने टॉप पे फुटबॉल खेली है और 2-3 साल बचे हुए हैं, मुझे बेंजेमा का थोड़ा समझ में नहीं आया, बेंजेमा लास्ट सीजन इतना अच्छा खेला, इस सीजन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, बट एक सीजन तो जाता ही है, बट एकदम से मतलब छोड़ दिया क्लब को, वो थोड़ा सा शॉकिंग था, बट फिर भी मतलब क्या करें, अभी आप देखेंगे आने वाले 1-2 साल में बहुत से सारे प्लेयर सऊदी भागेंगे वहाँ खेलने के लिए, धीरे धीरे वो अपने लीग की ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, मीन जब टॉप प्लेयर आएंगे तभी इंफ्रास्ट्रक्चर और एंडोर्समेंट वगैरह भी बहुत आएंगी, उन्हें जरूरत नहीं एंडोर्समेंट वगैरह की, बट फिर भी मतलब जितना टीवी पे दिखेगा उतना ही बिकेगा, तो ये भी बहुत रहेगा, जब टॉप प्लेयर खेलेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा लीग भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव होगी और शायद उनके फ्यूचर के लिए वो शायद वो ये स्टेप उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो कुलदीप भाई, और जहाँ तक रिपोर्ट्स हैं कि सऊदी की जो मतलब गवर्नमेंट है दे वॉन्ट टू इन्वेस्ट 20 बिलियन यूरोज इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स अपनी लीग को बढ़ावा देने के लिए। और वैसे अभी मैं एक चीज़ सुना है ना वो शॉक्ड, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे चार्ट में भाई लोग ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूकासल के ओनर हैं उनके सऊदी में 4 क्लब्स हैं, तो मतलब उन्होंने न्यूकासल को खरीदा है सऊदी के जो 4 क्लब्स हैं टॉप, अल हिलाल, अल नासर, अल इतिहाद और एक कोई और क्लब है, वो उन चारों को भी ओन करते हैं। तो मैं तो पैसा सोच के मेरा दिमाग फट गया था, मतलब लाइक इतना पैसा है भाई, 4 क्लब तुम टॉप 4 क्लब्स ऑफ सऊदी प्रो लीग और न्यूकासल को भी तुम ओन कर रहे हो, मतलब खतरनाक पैसा है, दिस कुड डिस्ट्रॉय और दिस कुड चेंज फुटबॉल फॉर एवर
कुलदीप भाई, एंड यस डेफिनेटली इतने सारे प्लेयर्स हैं जो हमारे वहां जा रहे हैं. अल अहली, बिल्कुल सही बात अखिल भाई, अल अहली को भी वो ओन करते हैं. तो मतलब क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी, और ये जो मनी हमारे फुटबॉल में आएगा, बिकॉज देखिए मनी तो ऑलवेज हमेशा रहता है, बट एक गश ऑफ मनी इस तरीके का आता है, दैट वुड स्वे और परसुएड एनी माइंड ऑफ अ टॉप फुटबॉलिंग प्लेयर. I mean 100%. I mean to be very honest, European football थोड़ा सा उनको ऐसा लगेगा क्योंकि काफ़ी जो टॉप प्लेयर हैं वो छोड़ के जा रहे हैं. I mean तो फुटबॉल के लिए अच्छा नहीं है, बट एट द सेम टाइम प्लेयर्स के लिए तो भी बेटर है. और इट्स टोटली अप टू यू कि आपको जाना है या नहीं जाना है. और आज आप एक सर्टेन एज हो जाती है आपकी, 35-36, तो आप जा सकते हो, तब खेल सकते हो. बट दे विल ट्राई टू ब्रिंग सम यंगस्टर एज वेल, यू नो. अभी शायद कोशिश करेंगे वो 30 साल के प्लेयर को लाए, या फिर जो यंगस्टर जो होंगे पैसा से ही वो कर सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि वो बिना पैसे के करेंगे, पैसा ज़्यादा उनको देंगे. और जो छोटी जगह से आएगा उसको ऐसा लगेगा कि पैसा नहीं है इतना, तो दे विल डेफिनेटली मूव टू सऊदी. आई मीन ये तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चेंज लग रहा है. आई मीन पिछले एक साल से मैंने देखा ये इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है. लास्ट ईयर रोनाल्डो को साइन किया था, अभी दो साइन कर चुके हैं, 2-3 और साइन करेंगे. तो मतलब एक कॉम्पिटिटिव लीग हो सकती है अगर 3-4 प्लेयर एक टीम में खेलेंगे अच्छे. फिर लोग फॉलो भी करते हैं ना, ऐसा तो नहीं, फैन फॉलोइंग भी बहुत है ना. तो अभी बेंजेमा की फैन फॉलोइंग उधर चली जाएगी, एंग्लो की उधर चली जाएगी. तो ऐसे करके मतलब वो लीग थोड़ा सा बेटर हो सकती है. बट एट द सेम टाइम फुटबॉल के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि यूरोपियन क्लब इतने रिच नहीं है और वो इतना मनी, इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते प्लेयर पे. आप मैनचेस्टर को देखेंगे, यूनाइटेड, स्पेशली यूनाइटेड तो पता नहीं मैंने कब इन्वेस्ट करते हैं, बट वो जो प्लेयर अच्छा होता है उसको लेने के लिए इतना टाइम लगाते हैं. फिर अब ये लोग ही चक्कर में हैं, नॉर्मल प्लेयर को भी फटाक से उठा लेते हैं कि हाँ ये आ जाएगा, 100 मिलियन में आ जाएगा, 150 मिलियन में आ जाएगा. तो ये वैसा है. बट हाँ, छोटी टीमें जैसे प्रीमियर लीग में छोटी टीमें हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी. वो तो हमेशा अपनी जो अकेडमी की टीम होगी वहीं से प्लेयर उठाएंगे. तो ये मतलब प्लेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से आप देखोगे तो अच्छा है, अच्छा नहीं भी है. क्योंकि अगर आपको कंपटीशन अच्छी है तो आप यूरोपियन क्लब में ही खेलना पसंद कर देंगे. अगर आपको पैसा चाहिए तो आप डेफिनेटली सऊदी मूव करेंगे. और कंपटीशन की भी बात होती है, एक लेवल की भी बात होती है, एक रिस्पेक्टेड लेवल पे खेलने की भी बात होती है. अगर आप अपने प्राइम में हो, अगर आपको रिस्पेक्टफुली कॉम्पीट करना है, अगर आप एक टॉप प्लेयर हो तो आप डेफिनेटली टॉप लीग में खेलना पसंद करोगे. वैसे यहाँ पे साइबरमैन भाई का एक क्वेश्चन था, काफी देर से भाई ने पूछा है कि कुलदीप सर आपका फेवरेट क्लब क्या है. नहीं, मेरा फेवरेट तो हमेशा ही बार्सिलोना रहा है. मैं बहुत छोटा था तभी से बार्सिलोना फैन रहा हूँ. और मेसी गया तो भी बार्सिलोना था, नहीं नेमार गया तो भी बार्सिलोना था. बट क्लब हमेशा वही रहा है, प्लेयर चेंज होते रहे हैं बट क्लब से बड़ा कोई नहीं है. और अब चाहते हैं कि यार मेसी वापस आए, मैं तो चाहता हूँ नेमार भी वापस आए. और वो दो ऐसे प्लेयर हैं जो मतलब उनको देखना, खेलना, उनको देखना बहुत पसंद करता हूँ. मुझे, मैं खुद ही एथलीट हूँ तो मैं हमेशा समझता हूँ कि हाँ प्लेयर की स्किल कितनी मैटर करती है. और वो दो एक ऐसे प्लेयर है जो आपको आपको ऐसा लगता है वाओ क्या टैलेंट है. तो उनमें से वो प्लेयर रहे और उनको देखने में बहुत मजा आता है. जी बिल्कुल सही बात, यहाँ पे कुलदीप भाई काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया. कुलदीप भाई आपको याद होगा हम आपको मर्च सेंड करने का ट्राई कर रहे हैं. एक चीज बच रहा है, आप अपना टी शर्ट साइज बता दो यहाँ पे. संयम जैन भाई हमारे डेडबीट के ओनर. नहीं, मैं मीडियम साइज पहनता हूँ, टी शर्ट स्मॉल भी आ जाती है. आई थिंक संयम भाई आपको मिल गया कुलदीप भाई से रिप्लाई आपके टी शर्ट साइज का. सो लेट्स गेट ऑन इट एंड जल्दी से डिस्पैच करते हैं कुलदीप सर के लिए हमारी फेवरेट कैमरा बोबो वाली मर्चेंडाइज. तो बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सर फॉर अलाउइंग अस टू डू दैट. एंड जैसे कि कुलदीप भाई मुझे पता है कि आप नेमार के भी काफी बड़े फैन हैं, और हमारे एक भाई पूछ रहे हैं यहाँ पे DS10 कॉम्स की, यार क्या नेमार टू बार्सा अब ट्राई कर सकती है, क्या डू यू थिंक कि मेसी को मिस आउट करने के बाद कैन वी ट्राई टू गो फॉर नेमार, क्या ये बेटर डिसीजन होगा, क्या ये नहीं होगा, आपके ओपिनियन में क्या लगता है आपको? आई मीन मेसी को अगर मिस आउट करते हैं तो जा सकते हैं, बट फिर डिपेंड करता है कोच को चाहिए कि नहीं चाहिए. आई मीन नेमार ऑब्वियसली अगर नेमार बार्सिलोना आएगा तो बेटर प्लेयर रहेगा, खेलेगा, अच्छा खेलेगा क्योंकि क्लब से जुड़ा हुआ है वो. और फैंस पे भी बहुत बड़ा रहता है कि फैंस कैसे एक्सेप्ट करते हैं उसको, लेते कैसे. और मैंने एक चीज़ लाइफ में बहुत देखी है कि जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़े क्लब में ही खेलना उसके लिए बेटर रहता है. अगर छोटे क्लब में जाता है तो फिर वो नहीं खेल पाता है. कोई भी जो बड़ा प्लेयर होता है जो उसका जिसका फ्यूचर, जैसे एम्बाप्पे का भी एग्जांपल है, एम्बाप्पे PSG में अपने ईयर जो भी साल वेस्ट कर रहा है वो मतलब वो वेस्ट है उसके लिए.
उसके उसके इसकी ग्रोथ के लिए वो अच्छा नहीं है। अब हालैंड को देखेंगे, सिटी मूव कर गया फटाक से एक सीजन में, सब कुछ ले गया, मतलब बेलिंगम मैड्रिड, जो जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको फटाक से वो डिसीजन लेना चाहिए। नेमार ने जो डिसीजन लिया था पीएसजी ज्वाइन करने का, शायद उसके डैड का डिसीजन था, वो उसके लिए अच्छा नहीं था। जो बड़ा प्लेयर होता है वो बड़े क्लब में खेलना चाहिए, तो ही उसकी ग्रोथ होती है, वही तभी वो लेजेंड बनता है गेम का। तो नेमार अगर बार्सिलोना में है तो डेफिनेटली बहुत अच्छी साइनिंग रहेगी। आई मीन वो ज़्यादा बेटर सीरीज ज़्यादा खेलेगा, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जब भी वो खेलता है फील्ड पे तो उसके स्टैट्स तो बहुत फाड़ू रहे हैं हमेशा ओवर द इयर्स। इतने जितने मैच भी खेला है वो फाड़ू बम प्लेयर है, मतलब जिस टीम में भी खेलेगा, इवन कोई भी किसी भी क्लब में जाएगा। पीएसजी में उन वहाँ के फैंस नहीं पसंद है, तो फैंस का भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब वो जब मेसी को बू कर सकते हैं तो फिर बात ही नहीं रहेगी वहां से, तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी, चाहे कुछ कोई भी प्लेयर है। और वो एम्बापे के लिए ताली बजा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो क्या है उनको, उनकी नॉलेज कितनी है वो पता चलता है। बट हाँ, मैं नहीं चाहता कि वो वहां पे रुके। अगर वो नेमार अगर बार्सिलोना आएगा तो मैं बहुत खुश होऊंगा, नहीं भी आया तो प्रीमियर लीग प्रीमियर क्लब में जाएगा, यूनाइटेड भी गया, चेल्सी भी गया, तो एटलीस्ट कॉम्पिटिशन रहेगा। और जहाँ आपके पास कॉम्पिटिशन रहता है ना, तो वहाँ वो ऐसा प्लेयर है कि वो कॉम्पिटिशन में अच्छा खेलता है, तो वो है। और उसमें वही चीज़ है, और मैंने तो लाइव देखा उसको खेलते हुए, जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं मेसी को भी साइड कर देता हूँ यार, जैसा टैलेंट है उसमें, अनबिलीवेबल टैलेंट, मतलब मज़ा आता है उसको देखने में, गेम में मज़ा। और हाँ, लोग बोलते लाइफ स्टाइल, डेफिनेटली यार प्लेयर्स तो ऐसे, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, स्किल एक टैलेंट है, स्किल आपकी अच्छी वो टैलेंट है, बट बाकी चीज़ें भी बहुत, वो बाकी चीज़ें भी वो टैलेंट होती हैं, जैसे आप डिसिप्लिन रहना, अच्छी तरह से रहना, तो वो एक टैलेंट है, वो बहुतों के पास नहीं होता है। तो मेसी के पास वो भी टैलेंट है और वो भी टैलेंट है, तो बहुत मैटर करता है ये सब चीज़ें। क्या बात है, बहुत भाई तगड़े तरीके से अभी कुलदीप भाई ने एक्सप्लेन किया। एंड यश भाटिया काफी दुखी हैं, कहते हैं कि जिबा थैंक्स फॉर बीइंग देयर, फुटबॉल ओवर फॉर मी। एंड यश भाई आगे कंटिन्यू करते हैं, कहना कि माय 13 इयर्स ऑफ फुटबॉल इज ओवर, सुपर चैट मिस्ड। अरे नहीं यार, आराम खोर, मैंने ले लिया सुपर चैट, चिंता मत करो। बहुत शुक्रिया यहाँ पे यश भाई फॉर योर सुपर चैट। बट एक बात मैं बता दूं यार आपको, आपका 13 साल का फुटबॉल ओवर नहीं हुआ यार। जैसे कि मैंने अपने आई थिंक पिछले वीडियो में बात कही थी, फुटबॉल विल नेवर बी ओवर यार, प्लेयर्स आएंगे जाएंगे। अब लाइक पीपल मूव पास्ट माराडोना, पेले, जॉन क्राइफ, डी स्टेफानो, ठीक है, उसके बाद भी फुटबॉल सर्वाइव किया। देयर वर प्लेयर्स हु वर इवन arguably better than those players that I've mentioned, arguably, but still football survived. Eras come to an end, but ek era end pe aati na to dusri era start hoti hai, so it's not like ki aapka football khatam ho gaya. Definitely football ka jo ek one of the biggest connect tha wo khatam hua hai, but Kuldeep bhai, what do you have to say about this? Jo log Messi ke kafi bade fan hai, day in and day out usko dekhte hain, hum PSG ko dekh rahe the, main 2 saal se PSG देख रहा हूँ वहाँ पे, कि नहीं मानोगे, जस्ट सो दैट हम मेसी को देख पाए। एंड अभी मेसी को डे इन डे आउट टॉप लेवल पे कम्पीट करते ना देख पाना, चैंपियंस लीग में ना खेलना लियो मेसी का, इट वुड बी डिसहार्टनिंग फॉर द फैंस। व्हाट डू यू थिंक? आई मीन 100%, आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो अदर टीम्स एज वेल, यू नो, व्हेन इन प्रीमियर लीग आल्सो यू कैन वॉच सम ऑफ द बेस्ट टीम हु प्लेड दिस सीजन वेरी वेल, यू नो, ब्राइटन, न्यूकासल। अगर आप ये सब चीजें, ये सारी टीमें भी देखते हो खेलते हुए, तो डेफिनेटली आपको टैलेंट दिखता है। तो ऑफकोर्स अगर आप मेसी फैन हो तो आप हमेशा चाहोगे कि मेसी हमेशा खेले, बट वो ऐसा होगा नहीं आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं भाई, जो चीज़ इतने साल से हो रही है वो कहीं ना कहीं रुकती है। तो बहुत सारी, मैं फुटबॉल तो देखता ही हूँ ऑब्वियसली, मैं बहुत क्रिकेट बस मैं खेलता हूँ, और बाकी मेरा काम सारे फुटबॉल की नॉलेज जो मुझे है, शायद थोड़ी बहुत है, वो सिर्फ इसको देख के ही और इतने सीख के ही आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स बार्सिलोना के गेम देखता हूँ, पीएसजी के गेम भी मैं देखता हूँ, क्योंकि उसमें दो बड़े भाई खेल रहे हैं तो देखना पड़ता है उनको। और उसके बाद प्रीमियर लीग के मैं सारे मैच देखता हूँ, मोस्टली मैं प्रीमियर लीग के छोटी, ब्राइटन जिस तरह से 2 साल से खेल रही है, मतलब तो बेस्ट टीम मुझे लगी है ब्राइटन इन टर्म्स ऑफ जो उनकी कलेक्टिव टीम एफर्ट है, वो मुझे सिटी से भी बेटर लगी है। जो उनका बिल्डअप है वो अल्टीमेट बिल्डअप, जो बात करते हैं कि हाँ सिटी का बिल्डअप बहुत अच्छा है, तो सिटी से बेटर मुझे ब्राइटन का बिल्डअप लगा है अभी तक जितने मैचेस खेले। आर्सेनल वाला गेम जो हुआ था जब ब्राइटन ने उनको उड़ाया, तो फिर आप देखते हो छोटे छोटे मोमेंट में आपको लगता है कि हाँ ये टीम है। न्यूकासल जिस तरह से खेली, और उसके बाद जब उनाई एमरी ने साइन किया, उनाई एमरी एस्टन विला आया, तब वो कितना डिफेंसिवली कितना पैक हो गया था, तो बहुत ये सब टीमें बहुत इम्प्रूव किया इन्होंने।
तो आप छोटी छोटी टीमें देखते हो खेलते हुए, तो आपको लगता है कि नहीं यार ये टीमें भी बड़ा अच्छा कर रही हैं। जैसे आर्सेनल खेली स्टार्टिंग में, आर्सेनल थ्रू आउट अच्छा खेली, बट कहीं ना कहीं एक दो मैच होते हैं यार, कहीं ना कहीं जब टीम एक पीक पे होती है, जैसे सिटी हो गई, सिटी को आप सबको पता है कि हाँ यार इनके पास टीम एक इनका कल्चर डेवलप हो गया है, पेप ने सब ऐसा सबको बना दिया, इनकी मेमोरी में डाल दिया कि ऐसे ही खेलना है, तो वो आपको लगता है कि हाँ यार ये टीम किसी को भी हरा सकती है। तो वो चाहे प्रीमियर लीग खेले चाहे चैंपियंस लीग खेले, उनका एक पैटर्न है, सेट पैटर्न है, और वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। ऐसा नहीं कि वो एक ही तरह से खेलते हैं। आप जब रियल मैड्रिड वर्सेज सिटी आप फर्स्ट लेग देखेंगे तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। तो वो ऐसा नहीं कि वो उनका एक पैटर्न है। आर्सेनल में ये कमी थी, आर्सेनल एक सीजन जैसा खेलते वैसा ही खेलते गए, उन्होंने चेंज आई थिंक अडैप्ट नहीं कर पाया। हाँ अडैप्ट नहीं कर पाया, भी नहीं चेंज किए, जब सिटी के गेम्स खेल रहे तो वही टैक्टिक्स से खेले। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि एक दो साल बाद आएगी आर्सेनल में। तो ऐसे ऐसे आप देखते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं गेम ऐसा चल रहा है, गेम आप फिर वो मैनेजर बन जाते हो कि आप इनपुट्स देते हो कि नहीं ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुझे आई हैं देखते हुए गेम को, और इसीलिए मैं मैसी ऑब्वियसली मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट मुझे इतना दुख नहीं होगा कि नहीं खेलेगा तो, क्योंकि बहुत सारा फुटबॉल चलता ही रहेगा और बहुत सारे ऐसे प्लेयर आएंगे जो अच्छा खेलेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये प्लेयर है। अभी आर्सेनल का ओडिगार्ड आ गया, आप तो उसे लगता है यार क्या प्लेयर है, क्या टैलेंट है यार ये, तो उसे लगता है ऐसे धीरे धीरे करके आएंगे। एंजो फर्नांडिस आ गया, चेल्सी ने उठा लिया उसको, तो पेड्री तो अपना ऑब्वियसली है ही है, बार्सिलोना के जो मिडफील्ड अच्छी है ही है। तो मतलब तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नहीं हाँ फुटबॉल ऐसा नहीं कि कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट ऐसे टाइम लगेगा, बट जब नया टैलेंट आता है थोड़ा टाइम लेता है उस चीज़ को सेटल होने में। जी नहीं, परफेक्टली एक्सप्लेन कुलदीप भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया यहाँ पे। मिसिस गुड भाई, बहुत शुक्रिया फॉर योर सुपर चैट। भाई कहते हैं कि वी कांट ब्लेम लपोटा फॉर नॉट ट्राइंग, बार्सा डिड एवरीथिंग, दे साइंड द फिलिप्स डील, लेट गो जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स एंड सबमिटेड द वायबिलिटी प्लान, हैड लालिगा साइन द प्लान बिफोर थिंग्स वुड बी डिफरेंट। बिल्कुल यार मिसिस गुड भाई, सही कहा आपने, आपका कंसर्न सही है। मतलब देखो द ओनली रीजन, अभी यहाँ पर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप लपोटा को, बार्सा को बहुत ब्लेम नहीं करोगे, आप मेसी को भी बहुत ब्लेम नहीं करोगे, क्योंकि मेसी भी ऑन द क्लॉक था यार, ही हैड अ डील द टाइम फॉर विच वाज रनिंग आउट एंड उसको डिसीजन लेना था यार, ठीक है। तो अभी जैसी रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से इट काइंड ऑफ कन्फर्म्स कि मेसी विल गो टू इंटर मियामी, बट मैं बार्सिलोना में क्यों डिसअपॉइंटेड हूँ, इट इज बिकॉज बार्सा को अगर ये सब करना ही था तो दे शुड हैव प्लान्ड बिफोर। अगर उनको ये बात पता थी कि फाइनेंशियल वायबिलिटी प्लान को एक्सेप्ट होने के बाद उनको सेल करना ही होगा तो उनको थोड़ा पहले से इस चीज़ को डिसाइड करते, प्रॉपरली टेक केयर करके चलना चाहिए था, टुवर्ड्स दी दम लास्ट डे नहीं रखना चाहिए था। दैट्स वाई भी थोड़ा सा हम बार्सा फैन अभी भी हर्ट है कि एक ऑप्शन दे के भी, एक होप दे के भी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, इतनी मीटिंग की, इतनी सारी बातचीत की, उसके बाद भी परसू नहीं कर पाया क्या, तो इस वजह से एक खुन्नस थोड़ी सी है जो कि बनी हुई है। डेफिनेटली मेसी और बार्सा का जो रिलेशन था दैट डिडंट एंड ऑन द बेस्ट लेवल्स, ऑब्वियसली जो हम चाहते थे मेसी को जो सेंड ऑफ मिले जैसा बुस्केट्स को मिला, अल्बा को मिला, वैसा मिल नहीं पाया बंदे को, बट ठीक है यार, क्या बोला यार माटिच ने डिबाला को, क्या बोला भाई, दैट्स फुटबॉल, जब वो यूरोपा लीग हारे एंड दैट्स फुटबॉल यार। तो क्यों कुलदीप भाई, दिस इज, कैन वी एग्री ऑन दैट, ये तो है ही नियम। कुछ चीजें किसी के कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीजें नहीं कंट्रोल होती हैं, बट जब वो चीजें हो जाती है तो उनको रियलाइज होता है कि यार कैसे हो गई, शायद हम बेटर वे से हैंडल कर सकते थे। जब गौतम थे शायद हमारे महान तो उन्होंने बहुत बहुत अत्याचार किया इस क्लब के साथ, बट हाँ मेसी की जो मतलब मेसी को जो रिलीज करने में सबसे बड़ा उन्हीं का हाथ था, अगर लपोटा शायद उस टाइम होता तो शायद वो रोक सकता था, और शायद उन्होंने सही से हैंडल नहीं किया, उन्होंने सोचा कि थोड़ा वेट करेंगे और फिर हम बाद में साइन कर लेंगे, फिर लालीगा ने अपना ठप्पा डाल दिया कि नहीं भाई आप नहीं कर सकते, आप वेजेस ऊपर हो गए कुछ 195 के ऊपर हो गया था, तो फिर नहीं हो सकता, फिर तो जाना ही पड़ा मेसी को, तो अगर वो पहले कर लेते, अगर एक्सटेंड कर देते कॉन्ट्रैक्ट एक साल का डाल देते तो फिर वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी, बट नहीं किया उन्होंने, फिर बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि अब गलती होगी, बट अब क्या कर सकते, फिर मेसी और लपोर्ता के बीच में भी, क्योंकि लपोर्ता फिर हर जगह जा के स्टेटमेंट वगैरह दे रहा था, तो मेसी को चीज़ पसंद नहीं आई और उस पर थोड़ा सा नोकझोंक भी हुई थी बीच में, बट फिर धीरे नॉर्मल हो गई। लपोर्ता को आदत है ये सब करने की, जैसे पापा परेस थे जब अपने नई यंग एज में ऐसे करते थे, जब लुइस फिगो का सागा स्टार्ट हुआ था तब वो उन्होंने भी बहुत अत्याचार किया है, तो ये उन्होंने लपोर्ता ने भी वो चीज़ बहुत ट्राई की है इस सागा में, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं अगर मेसी को अगर कन्विंस कर ले जाता है या फिर
अगर लालिया की तरफ से अभी तो ग्रीन सिग्नल है, बट प्रॉब्लम हमारे पास यही है कि हमारे प्लेयर से जाने को तैयार नहीं है कुछ प्लेयर, तो सबसे वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबको बार्सिलोना ही खेलना है, वो उनको खेलने का गेम टाइम मिल नहीं रहा, फिर भी उनको रहना है क्योंकि सैलरी तो मिल रही है, ऑब्वियस बात है, बट एट द सेम टाइम की बड़ा क्लब है, कोई छोड़ना नहीं चाहता। और चैंपियंस लीग फुटबॉल भी है, हाँ चैंपियंस लीग अभी तो टॉप भी करके लीग भी जीत गए, तो अभी कोई चाहता नहीं है ना छोड़ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये कैसे कन्विंस करते हैं कुछ प्लेयरों को, जैसे फरान टोरेस हो गया या फिर अंसु फाती हो गया, इनको जाना चाहिए, इनको पहले एक्चुअली में भेजना चाहिए कि किसी क्लब में खेलो जहाँ पे आपको पूरा गेम टाइम मिले, एक दो साल खेल के आओ, फिर उसके बाद देखते हैं कि इनका रिलीज क्लॉज भी 1 बिलियन है, तो कोई सोचेगा भी नहीं लेने के लिए इनकी, तो लोन पे भी भेज सकते हैं, बट देखते हैं क्या करते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी फ्रैंक कैसी के पीछे पड़े हुए सेल करना है, बट मुझे लगता नहीं उसको सेल करना चाहिए, वो अच्छा प्लेयर रहा है, अभी एक साल में अच्छा खेला है, थोड़ा इम्प्रूव करेगा, बेटर प्लेयर होगा तो शायद रहेगा। अभी हमारे पास अगर मिडफील्डर भी बुस्केट के जाने से बाद मिडफील्डर भी हमारे पास है नहीं, अभी देखो किसको लेते हैं, देखो क्या फर्क, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे ये, मतलब अगर मेसी को आना है तो प्लेयर को जाना तो पड़ेगा ही, ऐसा नहीं। और सिर्फ कुलदीप भाई, सिर्फ मेसी के आने की बात नहीं, यहाँ पे किसी भी प्लेयर को आना है ना बार्सा पे, गुंडोगन हो या कोई भी प्लेयर हो, अपने अपने प्लेयर्स को रजिस्टर भी करके करना हो तो उसके लिए भी सेल बहुत रिक्वायर्ड थी, काफी इंपॉर्टेंट थी, एंड उसी का हमें वेट करना है। आप देखो मुझे ऐसा लगता है अंसु फाती और फरान टोरेस को जाने देना चाहिए, ये दो अगर जाएंगे तो एटलीस्ट कम से कम 50-60 मिलियन और ज्यादा भी आ सकता है, अंसु फाती तो शायद 50 मिलियन में भी जा सकता है, और देखो भी क्या होता है, और जाना जरूरी है क्योंकि हमारे पास फॉरवर्ड ठीक है यार, गावी भी खेलता है, लेफ्ट विंग भी खेलता है, लेवेंडोस्की है, रफीनिया, डेम्बेले भी ठीक ही खेल रहा है, मतलब मुझे इतना पसंद नहीं है बट वो भी चलो रखा हुआ है, रफीनिया को मुझे नहीं लगता उसको जाना चाहिए, एक प्रॉपर टीम मैन है, टीम के लिए खेलता है वो, और भले ही वो इतना सक्सेसफुल ना रहा हो बट वो एक ऐसा प्लेयर है जो तुम्हें चाहिए होगा टीम में, और मैं प्रेफर करूँगा कि डेम्बेले को जाने दो, रफीनिया को रखो, अल्टीमेट टीम मैन, मैंने बहुत क्लोजली देखा है उसको और बहुत सही बंदा है, ड्रॉप बैक भी प्रॉपर करता है, और प्रॉपर मतलब एक गुर्दे वाला प्लेयर चाहिए होता है, जैसे वेलवर्दे खेलता है रियल मैड्रिड के लिए, वैसा प्लेयर है वो, तो मैं चाहता हूँ कि वो रुके, और उसके लिए भी लगे हुए सेल जाने को, उसके लिए तो काफी चेल्सी की शायद हाँ मुझे लगता है। अभी टुकल का रूमर आया था, बायन का रूमर आया था कि टुकल इंटरेस्टेड है रफीना में, बट मुझे लगता है नहीं है, जैसा आपने कहा ना, हाँ जी, उनके लिए साने हैं तो उनके लिए मेन प्लेयर वो चेंजेस लाना चाह रहे हैं अपनी अटैकिंग लाइन में, टुकल संतुष्ट नहीं है अपने इस अटैकिंग लाइन से, तो देखिए क्या करता है। यहाँ पे भाई लोग काफी सरप्राइज्ड, अनिरुद्ध भाई कह रहे हैं कि कुलदीप दा यू हैव सो मच फुटबॉल, यू हैव सो मच नॉलेज अबाउट फुटबॉल, हैट्स ऑफ। यार हम जानेंगे कुलदीप भाई की स्टोरी भी कि कुलदीप भाई कैसे फुटबॉल फैन बने, बट गाइज आपके कुछ कमेंट्स हैं जिनको मैंने स्टार कर रखा था, तो चिंता मत करें, मैं उनको यहाँ पे उनका रिप्लाई भी यहाँ पे डेफिनेटली करूंगा। तो सोमिक भाई यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि एमएलएस में जो टीम है इंटर मियामी वो भी ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में बॉटम पे है, कुलदीप भाई बॉटम पे है वो भी बाबा, तो बोल रहा हूँ मैं कि मुझे वो मूव समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे नहीं लगता कि मसीह जाएगा, रूमर्स कितने भी आ जाए बट मेरे सोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको बीट नहीं कर पाएगा वो, मेसी रुकेगा, बट बहुत टाइम है, अभी अगस्त तक टाइम है हमारे पास, इतना रश करने की जरूरत नहीं है, लोग तो रश करेंगे क्योंकि पर डे के हिसाब से चल रही है न्यूज, और ट्रांसफर विंडो शायद खुल गई ना कल से, 10 तारीख से खुली, 9 आई थिंक, हाँ हाँ मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 10th को, बट वहाँ के से शायद आई थिंक 9 तो मतलब टाइम है हमारे पास, हम इतना रश कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा अभी किसी का ऑफिशियल नहीं आया, मैकलिस्टर के बस हुआ है ऑफिशियली कि हाँ वो जा रहे हैं, अभी धीरे धीरे होगा ये, बट बहुत टाइम है, और सबसे बड़ा नाम है यार मेसी से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है, तो फिर उसकी न्यूज़ तो ठप 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 आधे घंटे में आती रहेगी, तो ये भी बहुत है, देखते क्या होता है। सही MKS फुटबॉल भाई पूछे कुलदीप भाई मेसी और रोनाल्डो, MKS फुटबॉल भाई अभी कुलदीप भाई ने जस्ट अपने शब्दों में कहा कि मेसी से कोई बड़ा प्लेयर नहीं उनके ओपिनियन में, सो आई थिंक विल टेक हिज वर्ड फॉर इट। कुलदीप भाई फुटबॉल को उस तरह से देखता हूँ कि किस पोजीशन में कौन प्लेयर बेटर है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर मैं हमेशा रोनाल्डो को प्रेफर करूँगा, बट जैसे जैसे आप अब रोनाल्डो को आप खिला नहीं सकते, 37-38 जितने भी एज है आप टीम में नहीं खिला सकते, मेसी को आप कहीं भी खिला सकते हो, कहीं भी फिट कर सकते हो, एक प्रॉपर टीम मैन है, आप मिडफील्ड में खिला सकते हो, आप एज ए
एज नंबर 8 खिला सकते हो, नंबर 6 भी खिला सकते हो, अब जैसा आपको बिल्डअप चाहिए तो वैसा खेल सकता है। जैसे पीएसजी में खेला है वो, लिंकअप कर रहा था मेसी नेमार और एम्बापे के साथ, तो मतलब कहीं भी खेल सकता है वो। तो मतलब ऑफकोर्स मेसी अब वर्ल्ड कप भी जीत गया तो डिबेट ही खत्म हो जाती है वहाँ से। मैंने पोस्ट भी किया था इंस्टाग्राम में तो उसमें बहुत गालियाँ भी मुझे पड़ी थी पर ठीक है, मतलब अपने मेरे मुझे पसंद है मेसी और मैं देखता हूँ कि स्किल के हिसाब से मैं हमेशा मेसी को प्रेफर किया हमेशा। तो रोनाल्डो फैन सॉरी यार, बट हमारे लिए मेसी है सब कुछ। रोनाल्डो भी बहुत बड़ा प्लेयर है बट मेसी है, बहुत हम्बल है, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। कभी अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की भी बात भी नहीं की उसने, हमेशा टीम के लिए हमेशा सोचता रहा, टीम टीम टीम, उसके अलावा कुछ भी नहीं उसे रहा। तो ये चीज़ उसकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। जी, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे कुलदीप भाई अगेन एक काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन को डॉज करते हुए, बट भाई दिल की बात है, अच्छे से एक्सप्लेन किया कुलदीप भाई ने। कॉमेट भाई पूछते हैं, बिग अप या कॉमेट भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, कि डू यू थिंक मूविंग टू एमएलएस विल हैम्पर द चांस ऑफ विनिंग द बैलन डॉर? कुलदीप भाई इस साल भी लियो मेसी लगे हैं और वन ऑफ द फेवरेट्स हैं टू विन द बैलन डॉर, क्या लगता है आपको? तो इस सीजन जीतेंगे ही और उसके बाद नेक्स्ट सीजन से अब पता नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर 8 बहुत होते हैं यार, अभी क्या 10 करेगा क्या, अब 8 बहुत हो गए हैं। अभी 8वां मिल जाएगा तो खत्म, 8 के बाद तो बंदा, बट मतलब एमएलएस से जाने से, इस मूव से उसका बैलेंडोर तो रहेगा इस सीजन का, वो तो उस पर, क्योंकि इस सीजन उतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। पीएसजी के लिए भी उसका एसजी कितने का था, 62 का था, हालैंड के भी ऊपर है उसका, आई मीन जीत नहीं पाया ऑफकोर्स, बट सबसे बड़ा तो उसका वर्ल्ड कप ही रहा है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सब कुछ मिला उसको और जीत भी गए हैं। तो फिर हमेशा यही रहता है, बेल्जिस्टाल वर्ल्ड कप रहता है तो उसके हिसाब से वर्ल्ड कप भी जीतता है, उसको ही मिलता है। तो मेसी के बहुत ज्यादा चांसेस है, हालैंड को नहीं मिलेगा चैंपियंस लीग से कोई वैलेंट, और तो मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। और हालांकि जिस टीम से भी खेलता है वो भी बहुत फर्क पड़ता है, कि आप सिटी से खेलता है तो उसकी जो मिडफील्ड है इतनी फाड़ू मिडफील्ड है, बर्नाडो से लेके डी ब्रुइने तक, तो फिर चांसेस क्रिएट होते हैं, फिर वो भी बहुत मैटर करता है। जी, नहीं बिल्कुल सही बात की यहाँ पे, तो भाई लोग इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो, लियो मेसी की बैलन डॉर की क्रेडिबिलिटी अभी तक मेंटेन रहेगी। और हाँ यार, विड वेंचर भाई, मेसी को इंग्लिश सीखना पड़ेगा, और देखो इस चीज़ से एक बेनिफिट तो हमें मिल जाएगा कि मेसी इंग्लिश सीख लेंगे, एंड होपफुली अगर वो इंटर मियामी पे जा रहे हैं तो जो भी हमें पोस्ट मैच या प्री मैच कॉन्फ्रेंसेज या इंटरव्यू वहाँ पे देखने को मिलेंगे तो मेसी एटलीस्ट इंग्लिश में देंगे, तो हमें उनकी स्टेटमेंट्स को रीड नहीं करना पड़ेगा, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। एंड यहाँ पे जी जी कुलदीप भाई कुछ कह रहे हैं, ना पता है वो स्पेनिश ही बोलेगा, वो इंग्लिश तो नहीं बोलेगा चांस ही, मैं गारंटी से दे रहा हूं अगर मूव भी कर गया वो इंग्लिश बोलेगा ही नहीं। लो भाई, वहां की जनता बोलने लग जाएगी स्पेनिश, लियो मेसी इंग्लिश पे नहीं आएंगे। मेसी विन सर्वाइव एमएलएस, अरे भाई सर्वाइव, उसको सर्वाइव करने की जरूरत थोड़ी है यार, उसको इतना प्रोडक्टिव रखेंगे, उनके लिए सबसे लीग का सबसे बड़ा स्टार है वो, अगर उसको वो अटैक करेंगे तो बहुत चीज़ें आ जाती, जैसे एम्बापे के सागा में प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व हो गया था, ये सब तो हर चीज़ें आ जाती हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी, ये चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि वो लीग इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है, मीन इन टर्म्स ऑफ कि जो बड़े प्लेयर होते हैं उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी, चाहे रूनी हो या फिर गैरेथ बेल भी खेला वहाँ तो उसने ऐसा फाड़ा था जैसा लग रहा था कि अभी यंग एज में है, और मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा पहली बार, अगर गया भी एक दो साल बाद तो उसके बाद उसकी फुटबॉल इतने, वो शायद मुझे इतना नहीं लंबा खेलेगा नहीं, हो सकता है कि कोपा अमेरिका खेलने के बाद रिटायरमेंट ले ले, हो सकता है इतना, मुझे नहीं लगता कि इतना लंबा खेलेगा, नहीं बिल्कुल सही बात बिल्कुल। हाँ, उसको ट्रैक नहीं करना अपना करियर की, फंसा रहे खेल नहीं पा रहा है, तो फिर वो मुझे नहीं लगता कि वो वैसा करेगा। जी नहीं सही कह रहे हो कुलदीप भाई। यहाँ पे अरित्रा विश्वास भाई पूछ रहे हैं कि बेलिंगम टू रियल मैड्रिड को रेट कर दो, चलो आउट ऑफ 1 to 10 आप क्विकली इसको रेट कर दो, क्या लगता है आपको ट्रांसफर कितना बेहतरीन है? अरे उसको तो बार्सिलोना आना चाहिए था यार, मैं भाई ये ऐसा प्लेयर है भाई, क्या बोलूं भी, मतलब रेट क्या 10 में 10 ही रेट है, और क्या 100 मिलियन में लिया है और सारे पोजिशन खेलता है, जिस तरह से बात की थी शायद किसी वीडियो में मैंने देखा था जूड बेलिंगम, मैंने इतने मैचेस भी देखे हैं, अच्छा प्लेयर है नो डाउट, और उनके विंगर्स भी बहुत अच्छे हैं रियल मैड्रिड के, विनीशियस रोड्रिगो अगर खेलते हैं तो बेस्ट साइनिंग है
बेलिंगम से बड़ा मार्केट में कोई बड़ा प्लेयर था भी नहीं, अगर से मार्केट में बेलिंगम से बड़ा कोई प्लेयर नहीं था कि हाँ हो सकता है विक्टर ओसिमन हो सकता है स्ट्राइकर में, बट ये उनके लिए बेस्ट साइनिंग रहेगी। अब उनको उनको भी प्लेयर लेने पड़ेंगे, स्ट्राइकर भी नहीं है उनके पास, तो एक साइनिंग उन्होंने की। अब मुझे लग रहा है ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे रियल मैड्रिड इस विंडो में। जी बिल्जी में भी चले गए तो उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा मेरे ओपिनियन में। मंत्र भाई बहुत शुक्रिया फॉर द सुपर चैट। मंत्र भाई हमारे चैनल पे काफी लंबे टाइम से मेंबर रह चुके हैं ऑलरेडी। और भाई कहते हैं जी बाबा कैसे हो, कुलदीप पाजी मैसिव फैन, आज भी बहुत बार आपका बाबर पाजी को बॉल देखता हूँ। जी भाई आप देखोगे इंटर मियामी के मैचेस सुबह 6 बजे क्या कहना है कुलदीप भाई आपको मंत्र भाई को? थैंक यू मंत्र भाई, थैंक यू सो मच। और जी भाई 6 बजे तो देख लेंगे क्योंकि मैसी के फैन है और तो देखना पड़ेगा, बट अभी इतना प्रेशर मत डालो यार 6 बजे का, यार अभी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वहाँ जाएगा, बट बादशाह फैन मुझे लगता है कि बहुत परेशान है क्योंकि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हो सकता है कि ये चीज़ ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। या नहीं सही बात है। मंत्र भाई बहुत शुक्रिया फॉर द सुपर चैट, मैं तो अच्छा हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड सुबह 6 बजे हो यार कि दिन के 25वें घंटे भी हो, हम मेसी फैन एक तरीका जरूर से निकाल लेंगे, दैट इज आवर लव एंड कनेक्ट टू लियो मेसी। मंत्र भाई बहुत शुक्रिया फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड वकील अहमद भाई बहुत शुक्रिया फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज वेल, थैंक यू भाई बने रहे ऐसे हमारे साथ। एंड यश भाटिया भाई कहते हैं कि आई गेट योर पॉइंट, मतलब ये अपने पिछले कॉमेंट से रिलेट करते हुए कि रिमेंबर व्हेन अर्जेंटीना लॉस्ट टू सऊदी, आई वॉज दी वन जो लाइव स्ट्रीम में बोल रहा था कि वी विल विन द वर्ल्ड कप, माई इमोशंस आर डिफरेंट फॉर मेसी। बिल्कुल यश भाई मुझे पता है आप भी कितने बड़े मेसी फैन हैं हमारे जैसे ही आप, और एक पॉजिटिविटी और एक ये इस एटीट्यूड को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है, बट बिग अप टू यू यश भाई, थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन। आई रियली होप कि वही हो जो कि आप चाह रहे हैं, बिकॉज आई थिंक हम कॉमन चीज चाहते हैं। एंड यश भाई आगे जाते हुए कहते हैं कि आई वॉज इन अ कैफे टूडे एंड स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर सीइंग दिस न्यू सोर्स, वॉच दिस गाय फ्रॉम 2008 एंड 2009, ही गेव मी इनफ ऑफ इमोशन, बट बारसा obviously I will watch some Barca games but it's over from me. Yash Bhatia, theek hai bhai, I'm sorry I couldn't convince you but I'll try my best aage aane wale time mein bhi, ki you know I'll still try to make you connected to football and zarur se bane rahe yahan pe, pareshan mat ho. Kuldeep bhai, what do you have to say about the people who are losing hope over Leo Messi? I mean itna farak nahi padna chahiye kyunki 2 saal se Barcelona mein khela bhi nahi Messi, to itna samajh mein nahi aa raha itna log itna kyun dot connect kar rahe hain. आप वही सोचो कि नहीं खेल रहा है, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2 साल हमारे लिए बहुत टफ थे इन टर्म्स ऑफ टीम को अगर देखे, जैसे हमारी रिबिल्ड हुई टीम जावी ने जब लिया टीम को तो उस समय देखा है, तो अभी हमारी टीम थोड़ी बेटर है, अगर मेसी नहीं भी आया तो एटलीस्ट हमारे पास टीम है जो हम सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ नहीं हमारे पास टीम है, अब एक दो अच्छी साइनिंग करेंगे यंगस्टर उठाएंगे तो हमारी टीम कम्प्लीट है। मेसी 2 साल से नहीं खेल रहा है बार्सिलोना के लिए, आया तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है हमारे पास टीम तो टीम ही है ना, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो हमारे लिए तो जब मैसेज चला गया था हमारे तभी ख़त्म हो गया था, आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार जो प्लेयर चला जाता है ना अगर उसके बाद वापस आता है तो वो फीलिंग नहीं रह जाती है, एक लंबा स्पैन जो होता है कैरियर, जैसे कुछ प्लेयर पूरा अपना कैरियर ही वहीं ख़त्म कर दिया, अभी जैसे मार्को रुइज हो गया अभी जो लास्ट गेम जैसे हारे वो उसको देख के थोड़ा सा लगा कि नहीं यार इतना बेचारा इतना सही प्लेयर है और एक टाइटल भी नहीं जीता अभी तक, तो उसको लगा कि नहीं यार, उनके लिए लगता है कि हाँ अभी मेसी हमारे लिए इतना कुछ किया है 2007 से लेके जितने 9 जब 6 से जब आया था अभी तो अभी इतना कुछ जीता है, अगर नहीं खेला पाया तो ठीक है हमने वो लाइफ जी ली, अब यंगस्टर जब यंग मेसी था उसके बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं था, उसको देख लिया खेलते हुए, अभी अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जी जी देखो यार ऐसे 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 जीना चाहिए। एंड हमारे काफी अच्छे दोस्त और साथी के एक कंटेंट क्रिएटर अंकित भाई, ऑलमाइटी ब्लूज एफसीआर, बिग शाउट भाई, कहते हैं कि हाय भाई अंकित भाई जी कैसे कुलदीप भाई, बिग अप टू यू बोथ, एग्जैक्टली मेसीज लेगेसी रिमेन नो मैटर व्हाट, आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम आवर सीजन एंड लूजिंग कांटे। अंकित भाई कैसे हो यार, आपके चैनल पे बहुत दिनों से कुछ देखा नहीं मैंने पोस्ट वगैरह, और थोड़ा पोस्ट डालो, चेलसी भी ऐसी हरकतें कर नहीं रही कि आप पोस्ट बनाओ या फिर कोई पॉडकास्ट करो, बट फिर भी चेलसी ने जो किया मुझे समझ में नहीं आया सीजन, आई मीन किसी भी फैन के लिए बहुत बड़ा मतलब शॉकिंग न्यूज थी भाई कि एक सीजन में इतने प्लेयर साइन कर लिए फिर उसमें गुड़ गोबर कर दिया, उसके बाद जो पोजीशन में जो प्लेयर खेलते उनको उस पर
पोजीशन में खिलाया नहीं। तो मैं किसी पॉडकास्ट में था तो मैंने बोला था यार, जब जिन्होंने मोड्रिक को लिया साइन किया, वो प्रॉपर प्रॉपर लेफ्ट बैक विंगर है, डीप खेलता है वो, उसको इन्वर्ट करके खिला रहे थे क्योंकि चिलवेल को खिलाना था, पूरा गेम ही खत्म हो गया उसका, डेड डेड, एक गोल भी नहीं मारा पूरे सीजन, मतलब कॉन्फिडेंस की माँ बहने कर दी उसने। आई डोंट नो कैसे ग्राहम पॉटर ने क्या किया, या फिर टॉड बोली का भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है टीम में। जब 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 कोच से ज़्यादा टॉड किसी मतलब ओनर का या फिर ओनर डायरेक्टर का इन्फ्लुएंस हो जाए टीम के ऊपर, तो टीम ऐसी ही हो जाती है, मतलब कहीं ना कहीं लैक करने लगती है। तो पोजीशन में कुछ प्लेयर नहीं खेले उनके, फिर लिंकअप नहीं कर पाए क्योंकि एकदम से सारे प्लेयर नए हो गए थे। मेसन माउंट के लिए बहुत जो बेटर प्लेयर रहा है पूरे लास्ट सीजन, बहुत अच्छा बेटर प्लेयर था, उसको उन्होंने बेंच पे डाल दिया, खिलाया नहीं, स्टार्ट नहीं कराया। तो कहीं ना कहीं चेल्सी की ही गलती थी इसमें, उसमें और कोई गलती नहीं थी। धीरे धीरे इनको टीम बनानी चाहिए थी। एक स्टेटमेंट आया था थियागो सिल्वा का, शायद प्लेयर इतने ज़्यादा हो गए कि ड्रेसिंग रूम में जगह ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें आ रही है। तो समझ सकते हो कैसा है, मतलब अभी रिसेंटली कोई न्यूज़ आ रही है नेमार को लेके, नेमार चेल्सी जा सकता है, तो पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, बट फिर भी एक एनकुंकू को भी साइन कर लिया है, वो भी लेफ्ट बैक खेलता है, लेफ्ट विंगर है। अगर नेमार को लेंगे तो फिर उसको क्या नंबर 10 खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। फिर वो अभी हैवर्ड्स को निकाल, हैवर्ड्स को तो ठीक है निकाल दे, सही है उनके लिए, वो ऐसा भी प्लेयर उतना खेला नहीं, परफॉर्म नहीं किया इतना अच्छा। स्टर्लिंग भी इनके पास है और हकीम जीएस भी शायद है इनके लिए, इनके पास मुझे वो ज़्यादा बेटर प्लेयर लगता है हकीम जीएस, जो उनके उनको खिला उसको हमेशा, मैंने कभी भी देखा नहीं कि वो स्टार्ट करता हो, बहुत कम स्टार्ट करता है वो, उनके लिए बहुत बेटर प्लेयर है, हो सकता है वो अगर उसको रेगुलर खिलाए तो प्रॉपर जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा मोरक्को की तरफ से क्या जान मार रहा था वो प्लेयर, मतलब ऐसा लगा था कि हकीमी और ये ऐसे प्लेयर खेल रहे थे। अभी वर्ल्ड कप में तो लोग अपना जान दम देते ही रहते जी। अरे नहीं, फिर हम उसी की बात करें, मोरक्कन की बात करें तो अमराबाद की भी बात करेंगे। मुझे बड़ा पसंद आया वो प्लेयर और मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं से अगर ये किमिच की डील नहीं होती है शायद तो बार्सिलोना उसको लेना चाहिए, वो तकड़ा प्लेयर है, मतलब कहाँ से खेलता है, फ्लोरेंटीन से खेलता है शायद, फोंटिना। हाँ तो मुझे बड़ा वो पसंद आया वर्ल्ड कप में वो प्लेयर, और मैं चाहता था कि ये अगर आ गया तो शायद बार्सिलोना बुस्केट की जगह, बुस्केट अभी ऐसा तो नहीं कि हम उसकी जगह फिल कर पाएंगे, बट वो बेटर प्लेयर हो सकता है आगे वाले टाइम में। जी नहीं बिल्कुल, काफ़ी सही बात। तो अंकित भाई प्लीज़ होप मत खोइए, काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे कुलदीप भाई ने आपके रिगार्डिंग कही है, सो जस्ट वेट अप एंड इंशाल्लाह अगले वाला सीजन अच्छा रहेगा आपका। उत्कर्ष भाई का एक काफ़ी अच्छा कमेंट है यहाँ पे, कुलदीप भाई आई वुड वांट यू टू आंसर दिस, कि कुड यू प्लीज टेल हाउ डिड यू फील व्हेन यू फर्स्ट मेट सचिन तेंदुलकर फॉर फर्स्ट, हु शेयर्स मेसी लाइक स्टैचर इन इंडिया, कैसा रहा एक्सपीरियंस है सचिन भाई का? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आई मीन जब मैं पहली बार मिला था तो मैं उन्होंने मुझसे आधे घंटे बात की थी। आई मीन उन्होंने अपनी जो चीज़ें उन्होंने बतानी चाहिए किसी यंगस्टर को, उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या करना चाहिए लाइफ में, कि क्या चीज़ें को आप तुझे कैसे कंट्रोल करना है, कोई चीज़ें किस चीज़ से आपको दूर रहना है, तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मैं डर रहा था कि मैं क्या बात करूं। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं ऐसे, मुझे याद है मैं ऐसे बॉलिंग करके आया था उनको, तो मैं बैठा हुआ ऐसे ही है, मेरे पास आया, मैंने उनको खुल के बताया। अंडर 19 में मैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया था, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई नहीं थी मेरी, और ये चीज़ कभी ना कभी मैं रिलेट करता हूँ मेसी नेमार की। जब पहले सीजन नेमार जब आया था तब मेसी ने उसको बहुत सपोर्ट किया, मतलब उसको इतना बैक किया। तो जब पाजी मेरे पास आए, पाजी ने मुझे बोला, मैंने उनको पूरा बताया कि मेरा सीजन, मैं 2-3 मैच खेला, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अभी पता नहीं कैसे होगा, तो उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं ये तो स्टार्ट है करियर की, और जैसे बॉलिंग कर रहा है इस पर थोड़ा ध्यान दे, और कैसे कैसे चीज़ों पे और काम करना है, फिटनेस पे काम करना है, छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने बताया। तो फिर मुझे ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रहेगी कि नहीं भाई क्रिकेट तो अलग चीज़ है, क्रिकेट आप खेल रहे हो, बट एक अच्छे इंसान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जितना अच्छा रहोगे, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे तो उतना ही लाइफ स्मूथ चलती है। आप किसी को उस नज़र से नहीं देखते हो कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है या फिर मेरा इससे कुछ है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, आपका दिमाग, मैं ये चीज़ मैंने कहीं भूली नहीं, बट मेरा सारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, आप कुछ सोचते नहीं हो, बहुत स्मूथ चलते हो, बहुत आप अगर आप ज़्यादा
सबसे डाउन टू अर्थ रहोगे तो आप ब्लैंक रहोगे, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चलेगा। सो ये मैंने चीज सीखी उनसे। भाई साहब क्या बात है यार, क्या प्यारा एक्सपीरियंस यहाँ पे कुलदीप भाई ने शेयर किया है। वाह सरियल होता है यू नो अपने ऐसे लेजेंड्स को मिलना एंड उनके साथ खेलना, उनके लेवल पे खेलना। तो कुलदीप भाई वी ऑल आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू एंड काफी अच्छा लगता है आपको खेलते हुए। मैं आप जब यहाँ पे लखनऊ आए थे तो भी मैं आपकी वजह से गया था देखने के लिए यहाँ पे मैच को वो मैच हालांकि वैसे आपके फेवर में टर्न आउट नहीं किया। कोई चाहता नहीं है कि कोई टीम उसकी टीम परफॉर्मेंस खराब करे या फिर वो खुद परफॉर्म खराब करे, बट ये गेम ही ऐसा है। मतलब आप कभी अच्छे दिन हो, कभी बुरे दिन हो, कभी कोई चीज़ सीखोगे आप, कभी कोई चीज़ सिखाएगी आपको, और बहुत बार मिस्टेक भी होगी, फेलियर भी होगा लाइफ में। जब फेलियर हो जाता है तो आप उससे फिर ओवरकम हो जाते हो, फिर आप जब नेक्स्ट टाइम फेल होते हो तो आपको इतना फील नहीं होता है। आई मीन एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। तो दुनिया में हर स्पोर्ट जीतने के लिए खेला जाता है, तो कोई टीम तो हारती है। जी सही बात कही यहाँ पे कुलदीप भाई आपने। बड़े एक न्यूज़ है जो कि आ चुकी है एंड इसी का ब्रेकडाउन हम बस यहीं पे करने वाले हैं दो मिनटों में। लियो मेसी टू इंटर मियामी, हेयर वी गो हो चुका है बाय फैब्रिजियो रोमानो एंड क्या बात कर रहे हो यार। दैट इज जी जी सर, ये देखो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, हम लोग इसको यहाँ पे स्क्रीन पे चेक कर लेंगे एंड ओके सो हियर इज द न्यूज गाइस, फैब्रिजियो रोमानो ने बोल दिया लियो मेसी टू इंटर मियामी, हियर वी गो, द डिसीजन हैज बीन मेड अनाउंस्ड बाय लियो मेसी द नेक्स्ट आवर्स, मेसी विल प्ले एमएलएस नेक्स्ट सीजन, नो चांस फॉर बार्सा डिस्पाइट ट्राइंग टू मेक इट हैपन। कोई बात नहीं यार, होता है, ठीक है, हमें तो आदत हो गई 2 साल में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही सही कहा, सही कहा कुलदीप भाई ने। हमें तो लाइक आदत हो गई थी, बट एक होप था छोटा सा कि मेसी वुड रिटर्न बैक और एटलीस्ट ट्राई टू प्ले इन यूरोप टॉप 5 लीग, बिकॉज़ इतने जल्दी फिर या फिर बार्सिलोना ने कुछ नहीं किया होगा। आई मीन बार्सिलोना कैसे करते जब तक जब प्लेयर नहीं, मैंने आपको मैसेज डाला था कि मैंने बोला था कि कुछ प्लेयर जाने को तैयार ही नहीं है, तो प्रॉब्लम वही आ गई थी। मतलब अगर जब तक कोई प्लेयर जाएगा जब तक साइनिंग हो ही नहीं सकती, तो ये सबसे बड़ा क्या था, मतलब आड़ा यही बना हुआ था कि अगर कोई प्लेयर जाएगा तभी मेसी साइन होगा, रजिस्टर तभी हो सकता है, और दोनों में से कोई प्लेयर गया ही नहीं, तो क्या करें भाई। ऑफर नहीं भेज सकती बार्सिलोना उनको, तो फिर आप साइन नहीं कर सकते। अब मेसी इज गोट बाय, बहुत ही प्यारा कॉमेंट आपका, एफ सी बार्सा इज मेसी एंड मेसी इज एफ सी बार्सिलोना, काफी भावुक और काफी वेरी ऑनेस्ट। मेरे लिए तो जब बार्सिलोना से मेसी गया तभी सोल चला गया था, मतलब सोल होता है ना टीम से आप कनेक्ट होते हो कि हाँ मेसी की वजह से बार्सिलोना है, तो सोल चला गया था, बट धीरे धीरे अपना देखते देखते फिर क्लब तो क्लब ही है, और जब से जब पीएसजी से अभी जब बहुत सारे मेरे अभी आपको बता देता हूँ, मेरे कनेक्शन मेसी के जो भाई हैं रोड्रिगो मेसी, उनसे उनके जो फ्रेंड है वो मेरे फ्रेंड है, तो उनके थ्रू मुझे पता चला था कि मेसी बार्सिलोना आएगा, और ये तो बहुत कंफर्म बात थी, अभी भी कंफर्म थी, बट क्योंकि लपोर्ता के पास कोई डील ही नहीं थी, कैसे वो प्रेजेंट करता कि प्लेयर मामा पास इतना पैसा है और ये सब, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मुझे लगा सेल नहीं हुई प्लेयरों की, इसलिए अगर 10 दिन के बाद 20 दिन के बाद कोई सेल होती तो बड़ा गुस्सा आएगा कि यार ये पहले क्यों नहीं किया इन्होंने ये चीज़। अभी अगर अभी ऐसा होगा, अभी अभी विंडो ट्रांसफर मार्केट स्टार्ट होगी, आप देखोगे 2-3 प्लेयर बार्सिलोना से जाएंगे, तब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यार काश तब साइन कर लेते, तब भी बहुत चीज़ें और जर्नलिस्ट भी और मक्खन लगा के बोलेंगे कि बार्सिलोना ने फिर मिस्टेक कर दी, मेसी को नहीं साइन किया, तो ये चीज़ें आएंगी बाद में भी। सही बात कह रहे हैं एंड यहाँ पे लाइक ऑब्वियसली बार्तुमो को एक बहुत बड़ा ब्लेम है, मतलब अगर बार्तुमो वो सब स्कैंडल्स नहीं किए होते, वो सब गद्दारी नहीं की होती तो लियो मेसी जाते भी नहीं, तो यार अभी देर यहाँ पे यू कांट से एनीथिंग अबाउट जो हुआ। मुझे ऐसा लगता है बार्तुमो नेमार के भी उसमें बहुत था, मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद कहीं ना कहीं नेमार का जो ट्रांसफर था वो तो उसके पापा ने करवाया पैसे के चक्कर में, बट कहीं ना कहीं बार्तुमो का बहुत बड़ा हाथ होगा पैसे ना देना, क्योंकि जो उसने भी गारंटी मनी किसी भी प्लेयर को ऑफर की होगी, जब उसका ट्रांसफर सैंटोस से हुआ तो वो
उसमें तो कुछ और ही दिखाया, 57 मिलियन कुछ दिखाया, एक्चुअल में 83 मिलियन को कुछ कॉन्ट्रैक्ट था उसको पैसे नहीं दिए या फिर कुछ ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ती प्लेयर्स की फैमिली को, बहुत फ़र्क पड़ती है प्लेयर को भले ना पड़े, क्योंकि प्लेयर खेलता है फील्ड पे, उसके सारे फ्रेंड होते हैं, सॉरेज मेसी सब उसके सब इर्द गिर्द थे, तो वो चाहते थे कि वो रुके, बट फैमिली उस नज़र से नहीं देखती, फैमिली को लगता नहीं यार ये तो गलत है, पैसे नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफ़र मतलब वेजेस भी नहीं बढ़ा रहे, तो ये सब चीज़ें फैमिली बहुत नोटिस करती है, हमें एज ए प्लेयर हमें नहीं पता होता है बट फैमिली को पता होता है। तो इसलिए शायद जब नेमार का जो मूव हुआ है उसमें उसकी उसके डैड का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, वही चाहता था कि यहाँ से वो पीएसजी जाए क्योंकि उसको पैसा वहाँ से मिल रहा था। जी जी नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात की यहाँ पे आपने कुलदीप भाई। अंकित भाई भी कह रहे हैं कि न्यू एरा बिल्कुल मेसी रोनाल्डो ज्लाटान बुस्केट्स कांटे बेंजीमा एंड मेनी अदर गोट्स एंडिंग देयर यूरोपियन स्टिंट्स, टाइम फॉर न्यू सुपरस्टार्स बट नो वन विल बी लाइक द गोट्स। बिल्कुल बिल्कुल अंकित भाई सही कहा आपने, मतलब अपने गोट्स जैसा कोई नहीं रहेगा। बट सुदर्शन भाई यहाँ पे एक बात कहते हुए कि कुलदीप भाई क्या आपको एक सिमिलैरिटी मिली बिटवीन मेसी एंड महेंद्र सिंह धोनी, कोई एक ऐसा कोई एक छोटा सा पार्ट? मैं मेसी के साथ ऑब्वियसली मैं मिला नहीं हूँ बट होपफुली जल्दी मिलूंगा, और माही भाई से मैं बहुत क्लोज रहा हूँ और बहुत कुछ सीखा है उनसे लाइफ में, और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है, हर किसी को उतनी रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत कुछ सिखा रहे, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है, क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रगल देखा है, तो उन्होंने वो चीज़ें वो जी चुके हैं जो हम सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, बहुत बहुत फनी है और बड़ा इन्जॉय करते हैं दूसरे की कंपनी, और बहुत कुछ सिखाते हैं एट द सेम टाइम, कभी ऐसा नहीं एकदम से बाहर बैठ के कुछ नहीं करते हैं, फील्ड पे हमेशा बताते हैं, और एक ऑरा है, मैंने एक ऑरा है, एक आप KGF मूवी देखी होगी जिसमें रॉकी का जो ऑरा होता है उस मूवी में दिखाया गया, वो महेंद्र सिंह धोनी माही भाई का है, रियल लाइफ में वैसा ऑरा है, आप देखोगे अगर, इस साल तो मैंने देखा एक्सपीरियंस किया है IPL में, सो वो एक ऑरा है, मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं, जो भी वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, 2 वर्ल्ड कप जिताए हैं, पहले वर्ल्ड कप अनिल कपिल देव ने जिताया, तो ये मतलब ये जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, अभी जो यंगस्टर आएंगे वो देखेंगे, विराट भाई को देखेंगे, रोहित भाई को देखेंगे, माही भाई को देखेंगे, तो ये फिर ये क्रिकेट को और अच्छे से जिएंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे शायद और आगे खेलेंगे, तो ये 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 और ये बोलते नहीं कि आइकन है प्लेयर के, ये मतलब क्रिकेट के, तो इनकी वजह से हमने सीखा, सचिन पाजी की वजह से सीखा क्रिकेट हमने देखा, तो होपफुली जो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इंस्पायर्ड होंगे इन सबसे। एब्सोल्युटली नहीं बिल्कुल सही बात, मैं भी वैसे धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट आर्यन भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यूज ऑन रोनाल्डो सेइंग सऊदी इन टॉप 5 लीग्स एंड दिस समर ट्रांसफर विंडो इज बेस्ट एवरीवन टू सऊदी। आर्यन भाई रोनाल्डो आगे का फ्यूचर का प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि जो पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश करिए सऊदी, उससे वो आगे आने वाले समय में सऊदी लीग को काफ़ी टॉप पे पहुँचाएंगे। एंड येस इस समर सऊदी हैज़ गॉन क्रेजी, काफ़ी बड़े बड़े फुटबॉलर्स को उन्होंने साइन किया है, आगे भी वो करेंगे। सो बहुत शुक्रिया आर्यन भाई, बिग अप फॉर योर कॉमेंट। एंड मगनूम भाई कह रहे हैं कि जी भाई कुछ टिबास हैव मेड अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन रिगार्डिंग द सैलरी कैप टू मेक मेसी साइनिंग टू लालीगा मोर कॉम्पिटिटिव। मेरे ओपिनियन में क्या है कि लालीगा ने, बारसा ने ऑलरेडी अपना फाइनेंशियल वायबिलिटी प्लान एक्सेप्ट किया और उस प्लान के हिसाब से वो इनफ था टू साइन द प्लेयर्स एंड टू साइन लियो मेसी यार, तो अब इसमें लालीगा का कोई हाथ नहीं, मुझे लगता है उन्होंने वो वायबिलिटी प्लान को लिया, स्टडी किया, पढ़ा, एक्सेप्ट किया, हालांकि थोड़ा सा डिले किया, बट आई थिंक यहाँ पे लालीगा को भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्लेम नहीं कर सकते आप, स्पेशली अब नहीं जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिली हो इसके रिगार्डिंग। तो थैंक यू मगनूम भाई फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड प्रदीप भाई भी यहाँ पे कहते हैं कि बाबा बस अब लपोटा अपने अंदर का जानवर जगा ले और एक राइट बैक पिवट और विटर रोके को ला ले, एंड मेसी विल ऑलवेज बी अ बार्सा बॉय व्हेरेवर ही गोस। मुझे लगता है जॉ कैंसेलो को साइन करने के लिए लगे होंगे, आर्सेनल भी लगी हुई जॉ कैंसेलो को लेने के लिए, बट बार्सिलोना भी लगी होगी, अभी शायद अब शायद थोड़ा सा हमारे लिए दो तीन प्लेयर साइन करना थोड़ा इजी हो सकता है, गुंडोगान साइन करना इजी हो सकता है हमारे लिए, और अब देखना अभी एक दो दिन के बाद नेमार का भी लिंकअप आ जाएगा इधर कि नेमार लोन में आ जाएगा बार्सिलोना, अभी ये भी होगा मुझे ऐसा लग रहा है आने वाला है, ये तो होने वाला है, तो देखो अभी पढ़ा, बट ये मेस्सी का क्योंकि सबको था कि मेस्सी वापस बार्सिलोना आएगा, आई मीन लास्ट ईयर से लग रहा था कि एक्सटेंड करेगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट अपना और होपफुली
मेसी बार्सिलोना में आ जाएगा, तो जी बढ़िया, बड़ा शॉकिंग था कि यार इंटर मियामी, मतलब बार्सिलोना ने एफर्ट की होंगे, ऑब्वियस सी बात है एफर्ट की होंगे, अंदर की बात किसी को नहीं पता होगी क्या क्या चल रहा है अंदर। तो लालिगा की तरफ से तो ग्रीन लाइट थी शायद मेसी को साइन करने के लिए, बट वही बात हो गई ना, प्लेयर अगर आपके जाएंगे नहीं तो आप ले ही नहीं सकते। सही बात है, बिल्कुल। सो प्रदीप भाई बहुत शुक्रिया फॉर योर सुपर चैट, एंड अभिषेक भाई कहते हैं कि कुलदीप भाई प्लीज सीएसके ज्वाइन करो ना, आप और माही भाई का केमिस्ट्री वापस देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, अगले साल ऑक्शन आ रहा है, उसमें सीएसके अगर बोली लगाएगी तो वहां से खेलेंगे, कोई नहीं, सब चाहते हैं यार कि माही भाई के साथ खेलना, और दिल्ली कैपिटल्स बहुत अच्छी रही है 2 साल में मेरे लिए, बहुत हेल्प किया उन्होंने, और ऑक्शन में देखते हैं कहाँ जाते हैं, तो कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बट जहाँ भी जाएंगे वहाँ दिल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक भाई फॉर योर सुपर चैट, एंड स्ट्रेंजर भाई पूछते हैं कुलदीप भाई अंडर हुम वुड यू लाइक टू प्ले, धोनी इन क्रिकेट और मेसी इन फुटबॉल? आई थिंक साथ में खेलना पूछना, साथ में खेलने का पूछना ज्यादा बेटर रहेगा। माही भाई के साथ खेल चुका हूँ और मेसी के साथ एक बार मौका मिल गया तो कोई नहीं मना करेगा भाई। दोनों अपने फील्ड में बहुत बड़े लेजेंड रहे, और मेसी का जो ऑरा है और माही भाई का ऑरा है अलग है, मतलब फुटबॉल क्रिकेट में अलग है, बट प्लेयर तो ऐसे ही होते हैं, मतलब जो लोगों को इंस्पायर करे। जी नहीं, सही कहा आपने। आप ये नेक्स्ट गेमिंग कह रहे हैं नो मोर फुटबॉल फॉर मी, बाबा ऐसे परेशान मत हो यार, सब चंगा है, कोई दिक्कत नहीं है। कूल ब्रो, इंडियन फुटबॉल में एंचेलोटी जैसा मैनेजर नहीं आ सकता? कुलदीप भाई से पूछ रहे, इंडियन फुटबॉल में एंचेलोटी जैसा मैनेजर नहीं आ सकता, तनु भाई पूछ रहे हैं। इंडियन फुटबॉल में भाई जी, इंडियन फुटबॉल बेटर हो रहा है, आई मीन मतलब ग्रोथ उसकी सही चल रही है, धीरे धीरे होगी और टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी लीग स्टार्ट करने में, जब प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई तो 100 साल पहले स्टार्ट हुई थी, अब जाके तब उनका वो लगा कि हाँ ये कोई लीग है, तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा फुटबॉल चल रहा है इंडियन फुटबॉल, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो एंडोर्समेंट वगैरह भी आएंगे, लोग फॉलो करेंगे क्लब, और ऐसा नहीं कि फैन फॉलोइंग नहीं है, बहुत फैन फॉलोइंग है, बट कि अगर एंडोर्समेंट नहीं मिलते ना तो हम लोगों तक पहुंचती नहीं वो चीज़ें, टीवी पे आता नहीं, आप अभी क्रिकेट देखोगे तो आप फटाक से आप देखोगे तो क्रिकेट ही आता रहता है स्पोर्ट्स चैनल पे, तो वो चीज़ अभी नहीं है, वो लैग कर रही है, तो जैसे जैसे गेम बढ़ता जाएगा तो वो टैलेंट ऊपर आएगा, फिर एंजेलोटी से भी बेटर मैनेजर आएंगे, एंजेलोटी क्या है। सही बात, बिल्कुल सही बात। कुलदीप भाई, सनी भाटिया कह रहे हैं कि टॉक सॉकर एचडी, हाँ यार मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन के लिए अपना नाम बदल के टॉक सॉकर एचडी कर लूँ, इन जस्ट फॉर लियो बेसी। हाइजेनबर्ग कह रहे हैं इस टाइम पे टोरेस, फार्टी और दो प्लेयर सेल करने थे, मैं वही कह रहा हूँ हाइजेनबर्ग, ये दो प्लेयर जाने चाहिए थे इनको, ये इन्होंने शायद डील रखा, उनको जाना ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ से उनको छोड़ना ही नहीं है। मैं फार्टी से मिला था, मैं उसके घर पे मिला था, उनके डैड से मेरी काफ़ी बात हुई, तब उस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वो 150 मिलियन का ऑफर डाला था फाती के लिए, बट फाती को रुकना था क्योंकि उस तभी उसको नंबर 10 जर्सी मिली थी शायद, उसके बाद की बात है, तो उसको वहाँ पे रुकना था, और बार्सिलोना में बहुत कतालोनिया का बहुत बड़ा वो है, कतलान प्लेयर बहुत सपोर्ट करते हैं उनको, तो वही खेलते हैं, तो फाती के लिए अभी इस टाइम सारे फाती विलेन है उनके लिए, फाती उनके लिए विलेन है कि अभी गया क्यों नहीं, मेसी को क्यों यहाँ, तो ये अब चीज़ें होने वाली है यार वहाँ की, क्योंकि जो वहाँ के लोग रहते हैं कातलान उनका पूरा है, वो हमेशा इसीलिए आप देखेंगे बुस्केट का, सॉरी बुस्केट नहीं, पीके का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता चला गया, अलबा को जाना चाहिए था पहले, वो भी बढ़ता चला गया, तो ऐसे प्लेयर हमेशा रहे हैं यहाँ पे, तो इनका बड़ा वो है चलता है, और फाती को जाना चाहिए था उस टाइम पे, 150 मिलियन देने को तैयार थे यूनाइटेड उस टाइम पे, बट उसको बार्सिलोना में रुकना था, फिर इस सीज़न जब मैं मिला था लास्ट ईयर उससे, तब जावी उसको इतना पसंद नहीं कर रहा था, आई मीन पता नहीं क्यों नहीं पसंद कर रहा था, लोग इंजरी से भी आया था, परफॉर्म नहीं कर पा रहा था बेचारा, हां कर रहा था पर लोग भी उतना पसंद नहीं करते, कातलान नहीं है ना प्रॉपर, तो वो भी बहुत मैटर करता है, फरान टोरेस देखेंगे आप, एरिक गार्सिया देखेंगे, ये सब कतालोनियन है तो इनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वहाँ से, तो इसलिए आप इसीलिए फरान टोरेस वो नहीं जाएगा, ये इसके लिए सब लगे होंगे कि नहीं इसको जाना चाहिए, ये अच्छी
अच्छी डिटेल की बात बता दी आपने कुलदीप भाई, ये हमें इतना आइडिया दिया था अंदर का, बट अच्छा आपने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। इंग्लिश शौलिक भाई कह रहे हैं कि शुड मिसी हैव वेटेड एटलीस्ट टिल जुलाई फर्स्ट वीक। वी डोंट नो इंग्लिश शौलिक मेरे भाई, वी डोंट नो, हम नहीं बता सकते कि क्या रीज़न था। वैसे मिसी अभी आज एक इंटरव्यू रिलीज करने वाले हैं स्पोर्ट्स के द्वारा, रात में शायद हमें वो इंटरव्यू मिल जाना चाहिए, तो हम सब कुछ सुन लेंगे, हम जान लेंगे उसके बारे में, तो विल फिगर थिंग्स आउट। बट पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर द कंट्रीब्यूशन, एंड गाइस आई थिंक वी आर क्लोजिंग डाउन टू आवर सेशन। जी कुलदीप भाई आप कुछ कह रहे थे? मुझे लगता है कि शायद रुक सकता था, अभी 10-15 दिन और रुक सकता था, वेकेशन में चला जाता कि यहाँ जैसे थोड़ा ब्रेक ले लेता, शायद वापस आता 20-25 तक शायद, तो थोड़ा पिक्चर थोड़ा क्लियर हो जाती है वो थोड़ा जल्द। शायद कुछ ना कुछ तो बात हुई है, मतलब आई मीन कुछ तो बात है अंदर जो शायद हमें कभी पता भी नहीं चलेगी, जो बोर्ड और मेसी के बीच में हुई है वो पता नहीं क्या बात हुई, नहीं तो इतनी जल्दी डिसीजन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि अभी तो ट्रांसफर मार्केट खुली भी नहीं है, स्पेशली यूरोपियन ट्रांसफर मार्केट नहीं खुली है, तो थोड़ा सा शॉकिंग था। बट हाँ सही कह रहे हैं सतापा भाई, कह रहे हैं मालदीव्स में चिल करता। हाँ जी, मैं चाहता हूँ, अब मैं दिल से चाहता हूँ कि नेमार को ले लो यार वापस, मेसी नहीं है नेमार। बट यार तो कभी कभी इतना, कभी सीरियसली मुझे कभी कभी इतना गुस्सा आता है यार नेमार की लाइफ स्टाइल देख के, कि यार इतना इतना बड़ा प्लेयर, वो इतना बड़ा प्लेयर, और अगर वो थोड़ा सा भी सीरियस होता अपने गेम को लेके, जैसे ब्राजीलियन मोस्टली होते हैं, वो थोड़ा ऐसा ना होता, थोड़ा सीरियस होता, तो वो कहाँ होता, मतलब क्या प्लेयर होता, मतलब कैसे होता थोड़ा। अभी भी जैसे आप उसके आप देखोगे तो कहीं फर्क F1 में घूम रहा है, कभी बास्केटबॉल खेल रहा है, अरे भाई थोड़ा ट्रेनिंग कर, थोड़ा रिहैब कर, अपनी फिटनेस बना, सीजन के बारे में सोच, सीजन आएगा उड़ा के रख दे, थोड़ा वैसे होना चाहिए। मतलब मैंने ये देखे मेसी रोनाल्डो वगैरह बड़ा सीरियस, इनमें बड़ा ये था हमेशा डिसिप्लिन, रोनाल्डो के अंदर ये चीज रही है, बड़े भले ही वो इतना टैलेंटेड प्लेयर नहीं रहा, बट वो जितना था वो अपने मेहनत से था, तो उसको इस चीज का था कि यार मैं इतनी मेहनत से बना हूँ, तो उसके अंदर ये था कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, ये मैं डिजर्व करता हूँ, तो वो अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो मेसी टैलेंटेड था बट वो बहुत हम्बल था हर चीज़ को लेके, तो अगर वो रोनाल्डो की तरह होता कि हाँ थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा अपने फुटबॉल में फोकस करके खेलता, तो वो बहुत बड़ा प्लेयर होता, मतलब मैं तो मुझे तो लगता ही नहीं कि इसके आसपास कोई प्लेयर होता, इतना टैलेंट था जब वो, सीरियसली इतना टैलेंटेड प्लेयर कोई था ही नहीं। मैंने और फिर इंजरीज भी काफ़ी उसको हुई, इंजरीज तब होती हैं जब आप फोकस ही ना हो, इंजरीज तभी होती हैं जब आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं हो, आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हो, सही से सो नहीं रहे हो, इंजरीज ऐसे नहीं हो जाती, इंजरीज तभी होती है जब आप कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, बॉडी या तो ब्रेक डाउन कर गई, कुछ भी हो गया, मतलब टायर्ड हो इसलिए इंजरी हो जाती है। और जो भी टैकल हुए हैं ये फ्लेक्सिबल भी हो सकते थे, बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल भी हो सकती थी, बहुत सारे ऐसे टैकल होते हैं जिसमें प्लेयर बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, फटाक से उठ जाते हैं, तो ये ऐसा ट्रेन करना चाहिए, ऐसा मतलब ऐसे बनते हैं प्लेयर ना फुटबॉल, सारे गेम में स्पेशली हर गेम में ऐसा होता है, मतलब अगर आप डिसिप्लिन हो अपने हर चीज़ को लेके, लाइफस्टाइल अगर आपकी बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल है, बहुत फॉलो कर रहे हो, हर चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। शायद नेमार में वो लाइफस्टाइल उसका उतना अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए उसको इंजरीज भी हुई हैं, इसीलिए इंजरीज हुई हैं क्योंकि टैकल बहुत सारे हुए, ऑब्वियसली यार बहुत अच्छी प्लेयर है, डेम्बेले का भी यही सीन था। हाँ जी, तो मतलब अगर वो ये सब नहीं होता, PSG में ऑफकोर्स वो खेलने का मन भी नहीं था यार उसको, मैं जब भी देखता हूँ ना अगर लीग के मैचेस देख, उसका कोई मन नहीं होता लीग के मैच खेलने का, मन उसको चैंपियंस लीग के खेलने आया, तो चैंपियंस लीग के मैच खेलने का मन लगता है बस, प्रीमियर वो लीग के मैचेस में ऐसे आएगा खेलेगा चला जाएगा, तो अगर वही चीज़ वो बार्सिलोना के लिए खेलता तो ज़्यादा अच्छे से खेलता, और प्रेशर, फैंस का प्रेशर, बड़ा क्लब, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बड़ा, तो वो ज़्यादा अच्छे से खेलता और ज़्यादा अच्छा करियर होता और उसकी लाइफ स्टाइल भी बेटर होती, ऐसा नहीं कि वो पार्टी वर्टी करना छोड़ देता, बट एक सर्टन अमाउंट तक उसकी पार्टियां होती कि हाँ भाई ठीक है, बट क्लब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये PSG जाने से थोड़ा और ईजी हो गया, क्लब की कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई जीते नहीं है, तो चिल आउट माहौल है, फैंस भी वैसे हैं, फैंस भी गलियां दे रहे हैं ऐसे, तो फिर वो भी फ़र्क पड़ जाता है इन चीज़ों का। सही बात है, लाइफ स्टाइल का काफ़ी बड़ा फर्क पड़ता है। एंड इंग्लिश शौलिक भाई कह रहे हैं कि कुलदीप सर नॉलेज ऑफ फुटबॉल इज सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग नहीं, सरप्राइजिंगली गुड इंग्लिश शौलिक भाई, तो
कुलदीप भाई, मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है ऑन इंस्टाग्राम की, एंड कुलदीप भाई शेयर करते रहते हैं अपने व्यूज, तो डेफिनेटली एंड यही एक रीजन था कि वी हैड टू हैड कुलदीप भाई ऑन द चैनल, ताकि कुलदीप भाई खुल के अच्छे से बात कर पाए. एंड ग्रेट ओपिनियन, काफी अच्छा लगा बात करके कुलदीप भाई से. मॉरल है, अर्जेंटीना हो या इंडिया, बीवी की ही चलती है. हो सकता है, मैं पहले बोला ये मूव होगा तो उसकी फैमिली के लिए होगा, क्योंकि फैमिली चाहती है. नहीं तो अल हिलाल इतना पैसा डाल रही थी, तो कोई 1.3 बिलियन कुछ पैसा डाल रही थी, वो कैसे टर्न डाउन कर सकता है, क्योंकि अगर फैमिली का ही होगा तो इसलिए वो चला गया. बट चलो, फुटबॉल मेसी के अलावा भी बहुत फुटबॉल है, आई मीन बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, बहुत होपफुली सीजन में देखने को मिलेंगे, कोई नए नए प्लेयर आएंगे. पीएसजी के एक प्लेयर, पीएसजी ने साइन किया एक बहुत अच्छा यूरोपियन मिडफील्डर, क्या नाम है, उगाटे, मैनुअल उगाटे. हां हां, तो वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, मुझे बड़ा अच्छा, मतलब मैंने तुम्हारा शायद पॉडकास्ट सुना था, थोड़ा सा सुना था उसके बारे में जी, तो मैंने उसको सर्च किया था, फिर तो मैंने देखा कि नहीं यार, ये तो अच्छा प्लेयर है यार, गुड साइनिंग होगी उसके लिए. सो काफी क्वालिटी प्लेयर, पीएसजी क्यों जा रहा है ये थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे उसको, उससे हां उसके मतलब वो पीएसजी को, मुझे यार उसको बार्सिलोना ले सकती थी, वो फिट बैठता उसके प्रोफाइल, क्योंकि बुस्केट हमारे पास है नहीं, और शायद थोड़ा बेटर भी लगता है क्योंकि बॉक्स टू बॉक्स ही खेलता है, अपने अपने बॉक्स भी रहता है, टैकल सैकल्स में काफी बेहतरीन है, विन करता है बॉल्स एंड एवरीथिंग जी. तो गाइस, आई थिंक एक लास्ट क्वेश्चन आज के रात का कुलदीप भाई से. कुलदीप भाई, सिटी वर्सेस इंटर मिलान का गेम आने वाला है चैंपियंस लीग, आपके बस प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम, आपको एक लिए आप प्रेडिक्शन दे दें एंड देन वी विल एंड द स्ट्रीम ओवर हियर. सो भाई लोग, आप लोग भी अपने प्रेडिक्शन दे दो एंड कुलदीप भाई के आंसर का वेट करते हैं. सर बताओ, 3-0 सिटी. अरे यार सही है बाबा. कुलदीप भाई हैज स्पोकन, 3-0 सिटी. मैंने बोला क्योंकि सिटी डोमिनेट कर रही है फुटबॉल, अभी आप बात ही नहीं कर सकते सिटी के आसपास कोई टीम खेल रही है, बट इंटर मिलान टू डिफरेंट टीम है, तो शॉक भी कर सकते हैं सिटी को, क्योंकि वो उनका स्टाइल ही अलग है, उनको खुद ही नहीं पता वो कैसे खेलेंगे. अब उनको देखो तो भरोसा नहीं है कैसा खेल जाए. अमी मार्टिनेज, क्या नाम है उसका, स्ट्राइकर लोतारो मार्टिनेज, हमेशा हमेशा अमी मार्टिनेज ही दिमाग में. तो लुकाकू भी है, मतलब ठीक टीम है, बट हाँ उनका मिडफील्ड थोड़ा बेटर है, बरेला वगैरह है, अगर तो हो सकता है थोड़ा सा हो जाए, बट सिटी उसकी है, और देखते हैं. मेरा तो ये प्रेडिक्शन 3-0, बाकी देखते हैं क्या होता है जी. तो गाइस, दैट वाज दैट. बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप भाई फॉर जॉइनिंग इन, एंड इट वाज एब्सोल्यूट ऑनर एंड अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द चैनल, एंड आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, एंड आई होप कि जो भाई लोग हमारे यहाँ पे जुड़े रहे, एक घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चला, एंड वी विल रियली ट्राई टू हैव यू अगेन ऑन द चैनल. एंड हमने काफी एक मेजर पार्ट पे बात करना मिस आउट किया है, वो एक्चुअली मेरा एजेंडा था आज के कन्वर्सेशन का, इंडियन फुटबॉल, बट क्योंकि ये ऐसी न्यूज आ गई मेसी के रिगार्डिंग, तो हम उसको टच नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट टाइम वेरी सून वी विल बी जी जी. नेक्स्ट सेट विल डेफिनेटली टॉक अबाउट फुटबॉल, आई मीन जिस तरह से आईएसएल, और प्लस मैं अभी यश के बहुत में क्लोज हूं, यश अपना जो वम करता है बहुत, रियल मैड्रिड का फैन है, तो हमारी वजह से पार्टनर जितनी मिलती नहीं है उसको, वो बहुत उसके तो बहुत खुश हूँ कि वो डीयू में कोच है, प्लस एक दो बार गया हूँ मैं उससे, एक बार मिला हूँ मैं उससे, और उसके बाद बहुत थोड़ा हेक्टिक भी था, मैं इससे जा नहीं पाया, नहीं तो वो जो भी जिस क्लब जिस कॉलेज की टीम के साथ वो करता है काम, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और काफ़ी लोग देखने भी आते हैं, तो मतलब इंडियन फुटबॉल है, बहुत है स्कोप, बहुत है, बट यही है कि लोगों तक पहुँच रहा है, एंडोर्समेंट नहीं है, पैसा भी लाना नहीं चाहता, तो ये सबसे बड़ा रीजन हमारा यही है, ड्रॉबैक हमारा इसलिए हो रहा है, और शायद आने वाले टाइम में बहुत बेटर होगा, और बहुत अच्छा हो रहा है, पहले से आप कंपेरिजन करेंगे किसी भी चीज़ का, तो अब बहुत बेटर हो गया, आईएसएल जब से स्टार्ट हुआ है तो प्लेयर आ रहे हैं, और मुझे लगता है टाइम में काफ़ी अच्छा होगा. जी बिल्कुल सही कहा कुलदीप भाई, और हाँ कल ही मेरी यश भाई से बात हो रही थी, तो ये सब कल यश भाई ने काफ़ी अच्छे डिटेल तरीके से बताया, इज डूइंग वेरी गुड. तो लेट्स होप कि कंटिन्यू रहे इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ, एंड ऐसे ही हमारा कन्वर्सेशन भी कंटिन्यू रहे.
तो कुलदीप भाई बस हम वीडियो को हम स्ट्रीम को एंड करते हैं, आपसे मैं 5 मिनट और रिक्वेस्ट करूंगा फॉर यू टू स्टे एंड लाइव के बाद एंड हम फिर एंड कर देंगे कन्वर्सेशन। तो बहुत शुक्रिया कुलदीप भाई फॉर शोइंग अप एंड जॉइनिंग इन ओवर हियर। एंड गाइज अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो जरूर से पॉडकास्ट को इस स्ट्रीम को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें बिकॉज हम कुलदीप भाई को यहाँ पे चैनल पे लाते रहेंगे एंड विल कीप ऑन हैविंग दीज काइंड्स ऑफ कन्वर्सेशन। यार तो थैंक यू सो मच भाई लोग, आप लोगों से मिलते हैं वेरी सून एंड कुलदीप भाई आपको भी गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।